यार ये या सीन ना स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा यार मेहनत लगती है अभी अभी मैंने ये ना मैं इस सीन को एंड करने के बाद ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाली जो बात कर रहा हूँ ना मैं तो कहना ये था कि बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर अभी मैं मतलब रिकॉर्डिंग एड की है ना तो ढाई घंटे लग गया मुझे एडिट करने के बाद ये मे भी दो घंटे की हो जाएगी तो मेहनत बहुत लगती है आप कम से कम इसको एक बार पूरा देख लिया करें यार आप क्या करते हैं कि आप बस डाउनलोड किया और डाउनलोड करके देख रहे हैं तो मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर मेरा सच इन ना दिल नहीं अब करता यार इसके ऊपर काम करने को एक आपके कहने पे मैंने इतनी मतलब मुश्किल से बना रहा हूँ और आप जो है डाउनलोड करके आराम से देख रहे हैं तो मेरा फिर क्या इसके अंदर है थोड़ा सा मतलब हक अदा कर दिया करें मेरी मेहनत को हलाल कर दिया करें थोड़ा सा डाउनलोड मैं नहीं कहता कि डाउनलोड ना करें लेकिन एक बार तो बंदा पूरा देख लेता है ना तो ख्याल किया करें थोड़ा सा तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सी प्ले का सीन इस सीन इस के अंदर हम देखेंगे कि जो हैच होगा वो अपनी शॉप के अंदर अपने जो उसके सर्वेंट्स होंगे जो असिस्टेंट्स होंगे उनके साथ बात कर रहा होगा विली के बारे में और उसी टाइम मिसे राफे और मिसिज टाइल हाउस आएगी तो उसके साथ उसकी थोड़ी बहुत बहस होगी तो ये सीन स्टार्ट होता है सीन फाइव है Uh, shop, यानी की जो कपड़ों दुकान है, उसके अंदर ये सीन है सेम एज सीन टू यानी जो था, वो भी इसकी के अंदर ही था उसी तरह से ये है, सब कुछ मतलब, scene, का मतलब ये है के, के, स्टार्ट के अंदर हमें जो चीजें बताई गई थी ना कि ये किस तरह का सीन है उसकी दुकान के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई है वो सब कुछ वैसे ही है एक्सेप्ट दैट देर नाउ टू लार्ज रोल ऑफ वेलवे प्योर सीजर ऑन द काउंटर बस दो चीजों का इजाफा हुआ है दो चीजें कौन सी है दो लार्ज रोल्स हैं यानी वेलवेट जो कपड़ा है ना जो मिसेस रफी ने मंगवाया था उसके दो बड़े बड़े रोल्स हैं जो कि वहां पर पड़े हुए हैं उसके साथ साथ काउंटर के ऊपर दो सीज़र्स यानी कैंचियां भी पड़ी हुई हैं। एट राइज ऑफ कर्टन पर्दा उठता है हॉलरकर्ट थॉम्पन कार्टर एंड हैच आर इन द शॉप यानी हैज जो होता है वो अपने इन तीन मुलाजमों के साथ असिस्टेंट्स के साथ या सर्वेंट्स के साथ उस दुकान में होता है तो हैज की लाइन है वो कहता है रीड द पेपर्स बिटवीन द लाइन्स यानी अब मतलब यहाँ पे ये यह 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 भी हो सकता है कि वो उनसे पूछ रहा है इस लाइन के अंदर मतलब डायरेक्टली नहीं बताया गया कि वो उन अपने मतलब सर्वेंट से या असिस्टेंट से पूछ रहा है इस चीज़ के बारे में या फिर उनको बता रहा है तो हैज यहाँ पे कहता है कि मतलब क्या तुम लोगों ने पेपर जो है अखबार जो है आज का उसकी लाइंस जो हैं वो पढ़ी हैं उसके अंदर क्या लिखा है इट सेज प्रपरेशन्स अगेंस्ट कॉन्टीनेंटल पावर्स यानी उस न्यूज़पेपर न्यूज़ पेपर के अंदर उन लाइंस के अंदर लिखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो कॉन्टीनेंटल पावर्स जो हैं कॉन्टीनेंटल यानी जो आ, मतलब बरआजम के अंदर कॉन्टीनेंट यानी जैसे एशिया एक कॉन्टीनेंट है ना तो उसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है तो इसी तरह से उनका जो इलाका है ना जो उनका कंट्री है उनके यानी कॉन्टिनेंट के अंदर की बात हो रही है कि मतलब न्यूज़पेपर के अंदर लिखा था कि कॉन्टिनेंट जो पावर्स हैं यानी हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं ना उनके खिलाफ जो प्रेपरेशंस हैं यानी जंग वगैरह या किसी कोई और चीज़ की तैयारियाँ जो है वो शुरू की जा रही हैं यानी ये हमारी गवर्नमेंट ने लिखा था उस न्यूज़पेपर के अंदर नाव अब वट डज दैट मीन तो फिर है जब उनसे पूछ रहा है कि इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट ने लिखा है जो दूसरे मुल्क हैं उनके खिलाफ यानी हमारी जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं इसका क्या मतलब हो सकता है स्पेस ट्रैवलर्स मतलब है कि प्रेपरेशन अगेंस्ट स्पेस ट्रेवलर्स यानी पहले उसने बताया कि उन्होंने अखबार में लिखा तो ऐसे है कि प्रेपरेशन अगेंस्ट कॉन्टिनेंटल पावर्स यानी हम जो है कॉन्टिनेंटल जो पावर्स हैं यानी हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे जो जो भी आस पास के कंट्रीज हैं उनके खिलाफ यानी हमारी कोई जंग होने वाली है या कुछ और होने वाला

दे They, they किस को वो कह रहा है वो इस न्यूज़ को। यानी पे कहना चाह रहा है कि अगर वो डायरेक्टली ये बात लिखते थे ना कि प्रिपरेशन अगेंस्ट स्पेस ट्रेवलर्स, तो इस चीज ने क्या करना था कि देवुड स्टार्टअप रेयर ओल्ड पैनिक अब रेयर ओल्ड पैनिक जो है ना ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस और हाई लेवल के पैनिक की सिचुएशन जो होती है ना उसको शो करने के लिए ये वाला वर्ड यूज किया जाता है तो यहां है तो थॉमसन पे कह रहा कि उन्होंने चीज इसलिए नहीं लिखी डायरेक्टली स्पेस ट्रेवलर्स क्योंकि इससे क्या होना था कि इस चीज ने बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देना था लोगों के अंदर तो हैज कहता है राइट right, बिल्कुल ठीक कहा तुमने इमेजिनेट फिर कहता है चलो हाँ क्योंकि अगर लोगों को ये चीज पता चल जाती ना तो इमेजिन करके देखो कि मतलब लोगों को उन्होंने ये बता दिया वैड अब वैड जो है ये एक निकनेम है, भी ये एक है मे बी थॉमसन का होगा या किसी और का इस इसके में से किसी और का हो सकता है तो यहां पे हैच कहता है कि कि हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा वो डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि अगर उन्होंने डायरेक्टली बताया तो इससे एक पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी तो फिर हैच कहता है कि चलो फर्ज कर लो या इमेजिन कर लो कि उन्होंने बता दिया तो फिर पता क्या होगा द एनिमी फ्रॉम अनादर वर्ल्ड यानी क्योंकि जो हमारा दुश्मन है वो तो किसी और दुनिया से है यानी वो तो एलियन है वुड लूज होप तो लोग क्या करेंगे कि वो उम्मीद खो बैठेंगे दे वु इवन ट्राई टू फाइट यानी वो इस बात से ही डर जाएंगे कि जो मतलब हमारा एनिमी है जो दुश्मन है वो तो दूसरी मखलूक है यानी वो खलाई मखलूक है या वो तो एलियन है इसलिए वो ये सोचकर ही उम्मीद मतलब छोड़कर बैठ जाएंगे इसलिए ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना ये डायरेक्टली नहीं बता रही बटर कहता है सम ऑफ फर्स वी ऊपर हैच ने क्या कहा कि लोग जो है वो उम्मीद छोड़ देंगे या फिर वो मतलब लड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे तो उसका जवाब नहीं, नहीं। लोग ऐसे खुद को, यानि अपने, ग्रुप को, यानि हैच को और अपने जो साथी है, उनको कह रहा है कि परवाह करते हैं या जो इस चीज का ख्याल रखते हैं कि एलियन आए हुए हैं और जो उनकी मतलब उनके ऊपर कड़ी निगरानी करते हैं या जासूसी करते हैं उनकी हमारे जैसे जो लोग हैं यानी हम जो है ना हम जरूर लड़ेंगे तो हैज कहता है यू वुड हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि हाँ मतलब तुम नहीं डरते या तुम ऐसा कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कि मतलब जरूर लड़ेंगे बट लेकिन वुड दे एट फॉर बीच अब फोर बीच जो है ये वो जगह है जहां पर मिसेज राफे का घर है या फिर टाउन के जो बाकी लोग हैं वो वहां पर रहते हैं मतलब टाउन जो है ना वो समुद्र के पास या और उस जगह को फोर बीच कहते हैं ये तो हैच यहाँ पे कहता है कि हाँ तुम ये मतलब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो या फिर तुम ये कह सकते हो कि हाँ तुम लड़ने की कोशिश जरूर करोगे या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जरूर लड़ेंगे लेकिन क्या जो फोर बीच पर रहने वाले लोग हैं यानी हमारे जो टाउन के लोग हैं, हैं, जो कि फोर बीच पर रहते क्या वो लड़ेंगे उनके खिलाफ तो कार्टर कहता है वुड नॉट बेट ऑन दैन यानी मैं इसके ऊपर कोई शर्त नहीं लगा सकता या आपको ये पक्का नहीं कह सकता कि मतलब फोर बीच के ऊपर जो लोग हैं हमारे टाउन के जो दूसरे लोग हैं वो मतलब उनके खिलाफ लड़ेंगे या नहीं बट ट्रू लेकिन ये बात तो सच है कि हम में से कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो कि उनके खिलाफ लड़ेंगे बट हाउ यू नो ही कम फ्रॉम स्पेस अब यहां पे वो विली के बारे में पूछ रहा है कि हैच मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि विली जो है वो स्पेस से ही आया है? हैच कहता है फर्स्ट देखो मेरी बात सुनो पहली बात तो ये कि इवंस न्यू ही वॉज कमिंग यानी पहली बात तो ये कि जो इवंस है जो कि बीच पर रहता है जिसकी बीच पर झोंपड़ी है वो ये बात जानता था कि वो आ रहा है ही वेंट स्ट्रेट टू हिम इन द मिडल ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्योंकि तूफान जो था ना जब वो तूफान आया हुआ था बिल्कुल उसी टाइम इवंस जो था वो उसके पास गया विली के पास जब विली हमारी अर्थ पर लैंड हुआ डिडेंट ही बिली अब यहाँ पे बिली जो है ये मे बी कार्टर का हाँ क्योंकि कार्टर ने सवाल पूछा है ना तो इसलिए कार्टर का ही ये निकनेम होगा या फिर बिली जो है ना बिली अगर आप इसको जनरली देखेंगे ना गूगल पे सर्च करेंगे तो बिली जो है ना ये ज़्यादातर विलियम जो नाम होता है ना उसके लिए निक नेम यूज़ किया जाता है बिली तो यहाँ पे है जो है ना वो यही पूछ रहा है कि क्योंकि पहली बात तो ये है कि इवंस जो है वो सबसे पहले उसके पास गया और वो मतलब डायरेक्टली जब तूफान आया हुआ था तो तूफान के दरम्यान में ही वो उसके पास चला गया तो पे है जो है ना वो ये कहना चाह रहा है कि जो है जिसके ऊपर हमें पहले ही शक था कि वो एलियन है तो वो जब उस टाइम के जब विली जो है वो हमारी जमीन पर लैंड हुआ तो और तूफान था काफी और तूफान के अंदर ही इवंस जो था वो उसके पास ही था यानी उसके पास ही था उसके पास गया तो ये इस बात का सबूत है कि क्योंकि इवंस जो है उसको भी हम एलियन समझते हैं और वो विली के पास उस टाइम गया जब वो इस

गेट अराउंड का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है ट्रैवल करना यानी जर्नी यानी सफर करना तो so यहाँ पे हैच बताना चाह रहा है कि जिस तरह से विली जो है ना वो यहाँ पर जमीन पर लैंड हुआ है ना यानी समुद्र के अंदर इतना बड़ा तूफान आया हुआ था और उस तूफान के बीच में विली जो था वो हमारी जमीन पर लैंड हुआ जो कि नामुमकिन सी बात है यू कांट गेट अराउंड दैट का मतलब है कि तुम जिस तरह से विली यहाँ पर लैंड हुआ है ना ये आम बंदे की बात नहीं है मतलब आम बंदा जो होता है ना या तुम जैसे या हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो इस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते ये इस लाइन का मतलब है फिर क्या

फिर यहाँ पे हैच कहता है कि वो जो आर्मी है ना वो जिस रेंज के अंदर जहां पर रहते हुए जिस इलाके के अंदर आजकल प्रैक्टिस कर रही है ना वो उनकी रेंज के अंदर इलाका नहीं आता लेकिन फिर भी आर्मी वहां पर प्रैक्टिस कर रही है वो इसी वजह से क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी जमीन पर एलियन जो है वो अटैक कर रहे हैं या लैंड हो रहे हैं दे मीन बिजनेस यानी आर्मी जो है उनको सिर्फ अपने काम से मतलब है जहां पर उनका काम होगा वो वहां पर अपना काम करेंगे या वहां पर जाकर गोलियां चलाएंगे तो थॉमसन इसके जवाब कहता है ओ लो उूट एह मेरे खुदा इट्स प्लेन एज अ बैप्टिस्ट फ्यूनरल बैप्टिट फ्यूनरल अब क्या चीज है बैप्टिस्ट का वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है कि जब क्रिश्चियंस के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है ना तो उसको ना एक रस्म होती है जिसके अंदर वो उसको नहलाते हैं या उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर उसको फिर नाम देते हैं यानी उसका नाम रखते हैं तो बैप्टिस्ट का मतलब है यानी जो पैदा होने वाला जो आदमी है या कोई भी जो इंडिविजुअल है जो कि इस दुनिया में पैदा होता है फ्यूनरल उसकी डेथ भी होती है हर पैदा होने वाले इंसान ने मरना है जिस तरह से ये बात सच है ना उसी तरह से ये बात भी अब क्लियर है कि आर्मी जो है वो भी

यानी मिस्टर बैंथम जो था वो अभी अभी शादी करने वाला था यानी उसकी शादी होने वाली थी जेंट्री जेंट्री nice, well gentry. Gentry कहते हैं हाई सोसाइटी के लोग जो मतलब अपर क्लास के लोग होते हैं ना उनको जेंट्री कहते हैं यहाँ पे हैज कहता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि मिस्टर बैंथम यानी जिसकी डेथ हुई है वो और उसकी लेडी यानी रोज की यहाँ पे बात कर रहा है कि उन दोनों की जिनकी शादी होने वाली थी वो दोनों नाइस थे यानी वो बहुत अच्छे थे क्लीन यानी वो साफ सुथरे थे और उनकी देखभाल जो हुई थी वो भी हाई सोसाइटी के अंदर रहते हुए हुई थी या फिर वो हाई सोसाइटी के मेंबर थे दे वुड प्रोवाइड ऑफ स्प्रिंग और क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी फिर उनकी शादी के बाद उनके बच्चे भी होने थे तो थॉमसन उसके जवाब में कहता है नोइंगली अच्छा 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 मतलब नोइंगली का मतलब है कि यानी वो सोचते हुए कि हाँ जैसे उसको कोई बात समझ आ गई है इस तरह का एक्सप्रेशन देते हुए कहता है ओ oh, अच्छा ये बात है तो हैच उसके चीज है, है यानी लास्ट पे हैच ने कहा है ना कि उनके मतलब शादी होनी थी तो शादी के बाद उनके बच्चे भी पैदा होने थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा है उसी लाइन को हैच कहता है और यही वो चीज़ है यानी उनके बच्चे पैदा होने थे ना यही वो चीज है जो कि वो एलियन नहीं चाहते द फ्यूअर वी आर द इजियर वी आर ओवरकम यानी हम लोग जितने कम होंगे ना उनके लिए उतना ही उन लोगों का हमारे ऊपर कब्जा करना आसान होगा इसलिए वो नहीं चाहते कि मतलब हम शादी करें या बच्चे पैदा करें ये यहाँ पे वो कह रहा है. फिर इसके जवाब में तो कहता है वट क्या मतलब यू मीन एवरी टाइम अंकिंग आर गोइंग टू चर्च ही इज लाइबल टू बी डन इन डन का मतलब है डेथ यानी मरना चैप जो है ना ये इनफॉर्मल टर्म है लड़के के लिए आदमी के लिए तो यहाँ पे कह रहा है कि हैच क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब भी कोई लड़का या आदमी सोचता है किस चीज के बारे में गोइंग टू चर्च चर्च जाने के बारे में यहाँ पे चर्च जाने के बारे में का मतलब है कि शादी करने के बारे में यानी जब भी कोई बंदा जो होता है वो शादी करने के बारे में सोचता है तो क्या इसका ये मतलब है कि ही इज लाइबल लाइबल का मतलब है कि उसके ऊपर इजीली अटैक हो सकता है या ये चीज उसके साथ इजीली हो सकती है कौन सी चीज टू बी डन इन उसकी डेथ यानी क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि जब भी कोई आदमी जो है वो शादी करने का सोचता है या चर्च जा जाकर शादी करने का सोचता है या तो क्या उसकी डेथ जो है वो उसके और ज़्यादा नजदीक हो जाती है क्योंकि एलियन जो है वो उसको शादी करने नहीं देंगे और बच्चे पैदा करने नहीं देंगे क्या तुम ये कहना चाहते हो तो हेज कहता है अफ्रेड सो मिस्टर थॉमसन यानी अफ्रेड सो का मतलब है कि हाँ मुझे डर है कि ऐसा ही है मिस्टर थॉमसन तो थॉमसन कहता है एंड एवरी टाइम यू टॉक अ गॉल बैक ऑफ अ दे आर वॉचिंग एंड थम्पसन oh, अच्छा, जो है ना अब यहाँ पे कहता है फिर सच होगा या ऐसे हो सकता है कि जब कभी भी हम में से कोई एक जो है गोल अब गोल जो है ना ये गर्ल के लिए इनफॉर्मल टर्म है गर्ल के लिए गोल यहाँ पे यूज किया गया है और उसके अलावा हैज का मतलब होता है झाड़ियाँ तो यहाँ पे ना थॉम्सन कहता है कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब भी हम में से कोई एक जो है वो झाड़ियों के पीछे किसी लड़की से बात कर रहा होगा या उसके साथ कुछ भी कर रहा होगा या मतलब झाड़ियों के पीछे किसी भी लड़की के साथ हमें से कोई भी जाता होगा तो दे आर वॉचिंग तो एलियन जो है वो हमें तब भी वहां पर देख रहे होंगे एंड और यहाँ पे एंड क्या के ना वो थोड़ा सा मतलब घबरा जाता है जैसे हम मतलब शौक के अंदर आकर जो आगे बात हम करने वाले हैं वो हम आसानी से नहीं बता सकते इसलिए हम उसको मतलब ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह माय माय लाइफ माय लाइफ का मतलब है ए मेरे खुदा तो यहाँ पे ना थॉमसन जो है ना वो ये कह रहा है और हर बार जब भी हम में से कोई जो है ना वो किसी लड़की को लेकर झाड़ियों के पीछे जाता होगा तो वो एरियन जो है वो हमें वहां पर भी देख रहे होंगे और ए मेरे खुदा यहाँ पर वो बात खत्म कर देता है तो हैच कहता है इफ़ यू ओनली न्यू हाफ ऑफ यानी अगर तुम लोगों को आधा भी पता चल जाए ना मतलब पूरी तरह ना पता चले सिर्फ आधा भी पता चल जाए किनिंग no इस लाइन का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा चलाक हो जाएंगे वो बहुत ज्यादा होशियार हो जाएंगे अगर तुम में से किसी को भी इतना पता चल गया ना थोड़ा सा भी पता चल गया कि वो तुम्हें देख रहे हैं तो होलरक के जवाब कहता है बेट इवन यू डोंट नो जरूरी नहीं है कि मतलब हमें अगर आधा भी पता है ना तब भी वो बहुत ज्यादा चलाक हो जाएंगे अगर मतलब हमें नहीं भी पता ना तब भी वो बहुत ज्यादा चलाक हैं अपनी मतलब मेंटेलिटी uh, के अंदर या इंटेलेक्चुअल के अंदर मिस्टर हैच मिस्टर हैच से कह रहा है मीनिंग नो डिसरिस्पेक्ट यानी मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट के अंदर बोलते हुए कि मतलब हैच जो है वो नाराज ना हो जाए मेरी बात से तो इस तरह से हॉलकट कह रहा है कि मिस्टर हैच मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता या आपकी बेजती नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर हमें आधा भी पता है ना उनके बारे में कि वो हमें देख रहे हैं या फिर वो मतलब हमें पता है कि वो हमारे दरम्यान में रहते हैं तभी वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं हैं। अगर ये चीज हमें नहीं भी पता ना तब भी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ही रहते हैं तो है जिसके जवाब कहता है I know you don't, यानी हैच अब उसको जवाब दे रहा है कि मतलब मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानते कि वो एलियन जो है वो हमारे बीच रहते हैं क्योंकि हैच जो था ना वो एक फ्लो के अंदर मतलब एलियंस के बारे में बात कर रहा था तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव जो है ना वो कमेंट दिया है होलर कट ने तो उसके जवाब में हैच अब उसको डायरेक्टली कह रहा है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि एलियन जो है वो हमारे बीच में रहते हैं या फिर ऐसे कहें कि हैच कह रहा है कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है एलियन के बारे में बिल्ली यानी बिल्ली तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है एलियंस के बारे में स्टिल लेकिन फिर भी, या अभी भी मुझे पता है के इस टाउन के अंदर ना वो जो मतलब एलियन है यहाँ पे फिर से वो विली के ऊपर आ गए एलियन है ना उसका सिर्फ एक दोस्त नहीं है यानी उसके एक से अलावा सिर्फ वही उसका दोस्त नहीं है उसके अलावा भी उसके दोस्त हैं तो थॉम्सन और काटर जो है ना टुगेदर वो दोनों एक साथ बोलते हैं कहते हैं यानी अगर इवंस जो है वो सिर्फ अकेला उसका दोस्त नहीं है तो और कौन है जो कि उसका दोस्त है नॉट जस्ट इवंस देन फिर कौन है जो कि उसके साथ उसका दोस्त है इवंस के अलावा तो है जिसके जवाब में कहता है ओ oh नो no, नहीं नहीं यू सून स्पॉट देम बिहाइंड दिस काउंटर तो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा बल्कि तुम्हें बहुत जल्दी इस काउंटर के पीछे पता चल जाएगा या तुम मतलब देख लोगे कि उसके और कौन से दोस्त हैं विली के इवन के अलावा यू गेट अ फेयर इंडिकेशन फ्रॉम द वे दे पे देयर बिल यानी जिस तरह से वो हमारी शॉप के अंदर आकर अपना बिल पे करेंगे ना उससे तुम मतलब ठीक ठाक अंदाजा लगा लोगे कि मतलब ये एलियंस हैं या नहीं या फिर ये विली के दोस्त हैं या नहीं दैट शोज इफ दे रिस्पेक्ट आर वे ऑफ लाइफ और इफ दे आर जस्ट आउट टू मेक ट्रबल बाय रनिंग पीपल इनटू डेट अच्छा इस लाइन को ना थोड़ा सा समझना यहाँ पे हैज कह रहा है कि जिस तरह से वो हमें बिल पे करेंगे ना ये चीज़ ना उनकी आ, हमें ये शो करेगी कि वो वाकई हमारे काम के बारे में हमारी लाइफ के बारे में हमारी मतलब रिस्पेक्ट करते हैं या फिर वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि वो हमें कर्ज़े वग़ैरह देकर हमें मतलब कर्ज़ों में मकरूज कर दें मतलब हमें डेट के अंदर डुबा दें और हमारी ज़िंदगी जो है वो परेशानियों वाली कर दें अब यहाँ पे डेट की उसने वर्ड क्यों यूज़ किया है मैं भी यहाँ पे हैज जो है ना वो कहना चाह रहा हो कि ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं ना जिस तरह से मिसेज राफे जो है ये जो है ना इस तरह के जो लोग हैं वही उनका ज़्यादा शिकार होते हैं या फिर वही इन एलियंस के दोस्त होते हैं जो कि लोगों को कर्जा दे देकर मतलब उनकी लाइफ जो है वो बर्बाद कर देते हैं तो फिर आगे कहता है ओ सम ऑफ देम डोंट इवन नो देम सेल्स यानी अब यहाँ पे कह रहा है कि जो विली के दोस्त हैं ना जो कि मतलब उसके साथ हैं जो कि एलियंस हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो एलियंस को जानते हैं या फिर वो एलियंस के दोस्त हैं दे आर ब्रेंस आर टेकन आउट एट नाइट बिट बाय बिट एंड रिप्लेस बाई आर्टिफिशियल मटीरियल ब्रॉड हेयर इन एयरशिप्स अब फिर वो बताता है कि उन्हें क्यों नहीं पता उन्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि जब वो रात को सो रहे होते हैं ना तो उनके ब्रेंस जो होते हैं ना वो एलियन निकाल लेते हैं बिट बाय बिट यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यानी एक साथ ये काम नहीं महीनों में या साल के अंदर ये काम होता है जाकर इतनी जल्दी नहीं होता एंड रिप्लेस्ड बाय एडवांस्ड मटेरियल ब्रॉट हैं इन एयरशिप्स और जो वो अपनी एयरशिप्स जो होते हैं स्पेसशिप जो होते हैं उनके जरिए जो वो मटेरियल लेकर आते हैं ना अपनी मतलब वर्ल्ड से दुनिया से उसके साथ वो उनके ब्रेनस को uh, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं तब्दील कर देते हैं कोर्स दैट्स अ स्लो मेथड इट कैन टेक इयर्स हाँ फिर वो कहता है कि यकीनन ये, ये एक मतलब बहुत ही स्लो मेथड है मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता करने वाला ये काम है और इसलिए इस इसमें सालों भी लग जाते हैं यानी वो जो मतलब उनका इंसानों का रात को सोते टाइम ब्रेन निकाल लेते हैं और फिर जो स्पेस से आर्टिफिशियल मटेरियल यानी जो अपना वो मसनू मटीरियल बना कर लाए हैं उनके ब्रेन की जगह पर वो रख देते हैं तो ये जो काम है ना ये बहुत स्लो स्लो है इसलिए इसमें सालों भी लग जाते हैं तो हॉल कहता है ओ यू हैड ऑथ अ से दैट मिस्टर हैच अच्छा अब यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको समझाता हूँ ये जो ए है और ऊपर ये जो आ, मतलब कोमा जो है उल्टा करके लगाया हुआ है इसका अब क्या मतलब है ये अब ये जो पूरा प्ले है ना ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर है मतलब ये एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर नहीं लिखा गया या फिर कुछ लाइंस जो हैं वो स्टैंडर्ड इंग्लिश में है बाकी ये डायलेक्ट की फॉर्म में है यानी स्पेसिफ़िक एरिया का जो डायलेक्ट है ना वो यूज़ किया गया है बॉन्ड ने अपने स्पेसिफिक एरिया का या फिर आ, मतलब अपने उस इलाके के अंदर रहते हुए किसी स्पेसिफिक डायलेक्ट को यूज़ किया है डायलेक्ट क्या होता है डायलेक्ट कहते हैं किसी भी इलाके की अपनी ज़ुबान का जो मतलब लहजा होता है ना जिस तरह से पंजाबी जो होते हैं। वो सेम नहीं होते मतलब हर 20 या 40 किलोमीटर के बाद जो पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनका लहजा चेंज हो जाता है डायलेक्ट लहजे को ही कहते हैं तो यहां पे एडवर्ड बॉन्ड जो है ना उसने भी एक स्पेसिफिक डायलेक्ट यूज किया है उस डायलेक्ट के अंदर रूल यह है कि अगर Uh, कहीं आपने ऑफ लगाना है ना और ऑफ़ के आगे जो वर्ड है वो एक कॉन्स्टेंट है वो यानी वो नहीं है बल्कि वो एक कॉन्स्टेंट है तो आप उस ऑफ की जगह पर ए लिख सकते हैं तो उसी चीज़ को यहाँ पे एडवर्ड uh, बॉर्न ने यूज किया है यहाँ पे कहता है ओ यू हैड नॉट ऑट ऑफ से दैट यानी तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था मिस्टर हैच दैट वर इज अ मैन क्योंकि ये चीज़ जो है ये एक आदमी को परेशान कर देती है आई होप देयर ऑन इट नो पार्टिकल अ मी वॉन्ट बॉर्न विद वुड नॉट ए का मतलब है पार्टिकल ऑफ मी यानी ए का मतलब भी ऑफ है यहां पर तो यहाँ पे अब ये जो ऑनट है ना इसका मतलब डोंट है तो यहाँ पे हॉरकट कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे अंदर या मेरे दिमाग के अंदर कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम मेरे पास नहीं था यानी सीधा सीधा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे दिमाग के अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं लगी हुई मेरे दिमाग के अलावा तो हैच कहता है नॉट यू बिली बिली तुम वो आदमी नहीं हो जिसके साथ वो ये काम करेंगे क्यों नहीं करेंगे दे वुड नॉट ट्राई इट ऑन यू यानी तुम्हारे ऊपर वो ये चीज़ ट्राई नहीं करेंगे कि तुम्हारा दिमाग निकाल कर तुम्हारे अंदर आर्टिफिशियल दिमाग डालें यू हैव लेड अ क्लीन लाइफ एंड नाउ यू सी योर रिवार्ड यानी तुमने अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो बहुत अच्छी गुजारी है या तुमने अच्छे काम करके अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और अब तुम्हें उसका रिवार्ड भी मिलेगा रिवार्ड किस सेंस में मिलेगा कि तुम्हें वो एलियन कंट्रोल नहीं कर सकते दे ट्राई टू ब्राइब मी यू नो यानी यहाँ पे हैच कहना चाह रहा है कि वो तुम जैसे जो नेक लोग हैं उनको मतलब एलियन जो है वो अपना निशाना नहीं बनाते या... या फिर उनके दिमागों को आर्टिफिशियल मटेरियल के साथ एक्सचेंज नहीं करते बल्कि वो मुझ जैसे जो लोग होते हैं हैच अपनी बात कर रहा है कि वो जो मुझ जैसे जो लोग होते हैं ना वो उनको रिश्वत देते हैं या उनको आ, मतलब चारा बनाते हैं या उनको उनके साथ ये काम करते हैं यू नो यानी तुम समझ सकते हो कि वो मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो मेरे जैसे कमीने लोग होते हैं उनके साथ ये काम करते हैं तो थोमसन कहता है गोन हाँ सही कह रहे हो तुम बताते जाओ मतलब हैच कहता है ओ यस यस मतलब हाँ हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें लीव नोट्स यानी कई बार वो एलियन क्या करते हैं कि नोट्स जो होते हैं मतलब कुछ निशानियां वगैरह जो होती हैं मतलब कागज के ऊपर कुछ लिखा होता है वो मेरे मेरे लिए छोड़कर चले जाते हैं आई फाउंड वन इन द जैम यानी मैंने एक जो था ना उनमें से एक नोट जो था वो जैम के अंदर फाउंड किया यानी मुझे एक जैम के अंदर एक नोट मिला जो कि एलियंस ने लिखा था लिड ऑफ और देयर इट वो मुझे कैसे मिला कि जब मैंने लिड यानी ढक्कन जो था जैम वाली बॉटल का वो मैंने उतारा ना तो वहां पर मुझे वो नोट मिला तो उसके जवाब में थॉमसन कहता है डेविल्स यानी वो शैतान है पूरे वो एलियन जो है वो कमीने ने है शैतान है तो कहता है, राइट ऑन स्टीमी विंडो कई बार जो स्टीम वाली विंडोज होती है ना जिस जिन विंडो के ऊपर भाप आई होती है, उसके ऊपर भी वो कुछ और जब यानी तुम ये सोचते हो कि मैं किसी और को भी यहाँ पर ला कर ये चीज दिखाता हूँ कि ये देखो मतलब ये एलियन ने किया है तो जब तक लेकर आओगे उन्होंने वो विंडो साफ कर दी होगी वहां से इट्स गोन यानी वो वो जो मतलब

तो हैस यहाँ पे कहता है कि जब उन्होंने मुझे सिग्नल वगैरह भेजे ना तो उसमें उन्होंने जो रिश्वत के लिए मुझे पैसे लिखे हुए थे ना कि हम इतने पैसे तुम्हें देंगे वो मैंने ठीक तरह से पढ़े नहीं मुझे याद नहीं कि वो कितने थे आई वॉज टू डिस्कस्टेड डिस्कस्टेड का मतलब है बेजार यानी तंग था यानी मैं बहुत ज्यादा तंग था उस टाइम उनसे इसलिए मैंने वो रकम भी नहीं पढ़ी फिर क्या होता है कि द डोरबल क्लैंगस इतने में घंटी बजती है दरवाजे की मिसिस राफे एंड मिसेज टाइल हाउस कम इन तो मिसिस राफे आती है और फिर मिसेज टायल हाउस के साथ आती है तो हैच कहता है थैंक यू फॉर कमिंग लेट्स तो जब हैच देखते हैं ना जल्दी से कि सेफे और मिसेज टायल हाउस आई है तो वो अपनी बातों का टॉपिक चेंज कर लेता है वो ऐसे दिखाता है उन दोनों को कि जैसे वो इन लड़कों से कि, कोई किसी और टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हो तो हैच कहता है बहुत बहुत शुक्रिया लड़को यहाँ पर आने का आई विल बी ग्लैड टू हेल्प रेज मनी फॉर न्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द टाउन बैंड यानी हमारे टाउन का जो बैंड है ना उसके लिए पैसे इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा दैट्स अ वर्ड द कॉज क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी वजह होगी पैसे डोनेट करने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए अब यहाँ पे फिर वो नाटक करेगा कि जैसे उसने मिसेस राफे और मिस टहाउस को अभी देखा कहता है ओ मिसेस राफे मैम मतलब मैम मिसेस राफे आप आई हैं आई वॉज होपिंग यू वुड कॉल यानी मैं उम्मीद ही कर रहा था कि आप कॉल करेंगी या आप मुझे याद करेंगी गुड डे मिसेस टायल हाउस टायल हाउस गुड डे यानी उसको ग्रीट कर रहा है मिस टायल हाउस को फिर कहता है राइट लैट्स आउट थ्रू द बैक यानी लैट्स यानी लड़को अब क्या करो कि तुम यहां से मतलब पीछे वाले दरवाजे से चले जाओ बाहर चले जाओ तो मिस कहती है थॉमसन वट आर यू डूइंग तो राफे जो है ना वो थॉमसन से पूछती है कि थॉमसन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो राफे ने थॉमसन से इसलिए पूछा क्योंकि थॉमसन जो है ना वो मिसेज राफे के घर में एज अ गार्डनर जो है वो काम भी करता है तो इसलिए मिसि राफे कहती है कि इसको तो मेरे घर में होना चाहिए ये यह यहाँ पर क्या कर रहा है तो उस चीज के बारे में यहाँ पे पूछ रही है तो थॉमसन उसके जवाब में कहता है मॉर्निंग मिसेज यानी मिसिज मॉर्निंग अब यहां पे ये जो मिसेस का वर्ड है ना ये मिस्टर्स के लिए यूज किया गया है मिस्टर्स का मतलब होता है कि जो कि किसी भी मालदार औरत को या फिर बूढ़ी औरत को या ज्यादा उम्र की औरत के लिए मिस्टर्स का वर्ड यूज किया जाता है उसको इज्जत देने के लिए तो यहां पे थॉमसन भी वही काम कर रहा है कि मॉर्निंग मिसिस आई जस्ट कम डाउन टू गेट सम सीडलिंग ऑफ द मार्केट सीडलिंग का क्या मतलब होता है सीडलिंग आते हैं नन्हे पौधे यानी वो वाले पौधे के मतलब जमीन के अंदर आप बीज लगाएं और उसका थोड़ा सा तना वगैरह जो है मतलब थोड़ी सी उसकी मतलब जड़ जो है वो जमीन से बाहर निकल आती है ना उसको कहते हैं नन्हा पौधा थॉमसन भी यहाँ पे ये बता रहा है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर मार्केट से वो छोटे छोटे पौधे जो हैं आपके घर में लगाने हैं वो लेने के लिए आया था तो मिसेज राफी कहती है गेट बैक टू द हाउस यानी वापस जाओ घर जाओ मेरे वापस मेरे घर जाओ आई पे यू टू वर्क इन माई गार्डन नॉट कम हेयर आइडल इन गॉसिप यानी मैं तुम्हें मेरे गार्डन के अंदर काम करने के पैसे देती हूँ ना के यहाँ पर आकर आइडल यानी बेकार रहने के और चुगलियां करने के यानी मैं तुम्हें यहाँ पर आकर बेकार रहने के और चुगलियां करने के पैसे नहीं देती बल्कि मैं अपने गार्डन में काम करने के तुम्हें पैसे देती हूँ सिम इन द मॉर्निंग तुम मुझे सुबह मिलना तो थॉमसन कहता है मिसेज मतलब वो एग्री शो कर रहा है कि हाँ ठीक है मैम ठीक है मैं आपको सुबह मिलूंगा तो राफी फिर कहती है मिस्टर हैच विल यू एक्सप्लेन वाई यू आर होल्डिंग अ मैथ मीटिंग इन सीक्रेट एट एलेवन ओ इन द मॉर्निंग ऑन अ वर्किंग डे तो फिर मिसेस इराफे मिस्टर हैच से पूछती हैं कि मिस्टर हैच क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं ये, ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिन के ग्यारह बजे आप इस तरह से सीक्रेट यानि सीक्रेट होकर खुफ़िया तौर पर ये जो मीटिंग है वर्किंग डे के अंदर यानी काम करने वाले दिन के अंदर सुबह सुबह आप ग्यारह बजे ये जो मीटिंग कर रहे हैं क्या आप इस मीटिंग को मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या वजह है ये कि मीटिंग आप क्यों कर रहे हैं हैज़ द होल टाउन गोन ऑन स्ट्राइक क्या आपके लिए जो पूरा टाउन है वो स्ट्राइक पर यानी हड़ताल पर गया है मतलब क्या पूरे टाउन के अंदर हड़ताल है जो आप यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं मतलब काम के दिन तो हैच इसके बारे में कहता है राफे योर कर्ट है मिसे अब आपने जो पर्दे मंगवाए थे ना वो फाइनली आ चुके हैं मतलब वो आ गए हैं जो आपने ऑर्डर दिया था पर्दों का मिस्टर होलकट वॉज जस्ट रनिंग अपस विद अ मैसेज तो अब फिर वो अपनी उस बात पर आ गया जो मिसेस राफे ने पूछी यानी पहले उसने कहा कि राफे आपने जो पर्दे मंगवाए थे ना वो आ चुके हैं और मिस्टर हॉलर जो है ना जो कि आपका गार्डनर है जो कि यहाँ पर अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा वो यहां पर इसलिए था क्योंकि वो अभी अभी भाग आपके पास यही मैसेज लेकर आने वाला था कि आपके जो पर्दे हैं ना जो आपने ऑर्डर किए थे वो आ चुके हैं तो टू द मैन फिर वो अपने उन आदमियों से यानी लड़कों से कहता है जो कि अभी भी उसकी दुकान में खड़े हैं यानी कार्टर हॉलकट और थॉमसन वगैरह। तो या फिर फिर वो कहता है ऑफ यू गो देर्स गुड लैड्स यानी तुम या, आप मतलब लड़को अब अच्छे लड़कों की तरह ना यहाँ से चले जाओ द्री मैन गो आउट बिहाइंड काउंटर तो वो तीनों लड़के जो होते हैं ना अब वो लड़के तो नहीं है उनमें से कोई बड़े भी हैं लेकिन मैं उनको लड़के ही कहूँगा यहाँ पे तो वो तीन लड़के जो होते हैं ना वो काउंटर के पीछे वहाँ पर चले जाते हैं तो हैच गोज टू टू लार्ज रोल ऑफ वेल्वर्ट ऑन द काउंटर एंड Pats Pats का मतलब होता है थपकी देना जिस तरह से मतलब हम थपथपाते हैं ना किसी चीज को थपकी देते हैं हाथ से उसको कहते हैं पैट्स तो मिस्टर हैड जो होता है वो क्या करता है कि वो जो उसकी दुकान के अंदर दो बड़े बड़े रोल्स जो होते हैं वेलवेट के पड़े होते हैं उनके पास वो जाता है जो कि काउंटर के पास पड़े होते हैं और वहां पर जाकर उनको थपकी देता है और फिर मिसेज राफी से कहता है नॉट मैनी हाउसेज़ इन दिस स्पॉट्स कैन अफोर्ड टू हैंग दिस क्वालिटी एट द विंडो मिसाफे यानी मिसिज डाफे हमारा ये जो टाउन है ना हमारे टाउन के अंदर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के या इस क्वालिटी के जो मतलब अच्छी क्वालिटी के इतनी अच्छी क्वालिटी के जो पर्दे हैं वो अपनी विंडो पर लगा सकें ऐसे लोग हमारे टाउन में बहुत कम है आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन एन एक्सीलेंट चॉइस यानी आपकी जो एक्सीलेंट चॉइस है ना ये पर्दे मंगवाने की इसके ऊपर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन यानी मुबारकबाद देता हूँ दैट्स वेरी लाइक द सैंपल आई थिंक यूल अगरी यानी ये उस बिल्कुल उसी सैंपल की तरह है जो कि आप देख के गई थी और जो देखने के बाद आपने ऑर्डर दिया था ये बिल्कुल उसी सैंपल की तरह है आई थिंक यूल अग्री यानी आप भी इस बात को मानेंगी कि ये बिल्कुल उसी सैंपल की तरह है जो कि आप ऑर्डर देते वक्त देख कर गई थी आइडेंटिकल यानी आपने पहचाना ये बिल्कुल वही है तो मिस्टर राफेस के जवाब में कहती हैं मिस्टर हैच आई हैव बीन स्पीकिंग टू मिस्टर कॉर्सन यानी मिस्टर हैच मैं क्या कर रही थी मैं थोड़ी देर पहले विली की बात कर रही है कि मिस्टर कॉरसन जो है उनसे ना मैं बात कर चुकी हूँ हैच कहता है ओ यस एंड आई होप द यंग जेंटलमैनस एज वेल एज सरकमस्टेंसेस अलाउ हैच इसके जवाब में कहता है ओ oh, अच्छा अच्छा तो मुझे उम्मीद है कि वो जो यंग जेंटलमैन यानी जो नौजवान लड़का है उसने उसी तरह से आपको बातें बताई होंगी जिस तरह के हालात रहे होंगे तो मिसेज कहती है drying, तो मिस्टर कार्सन टेल्स मी दैट ऑन द नाइट ऑफ द ड्राइंग ही मेट यू ऑन द बीच तो मिसेस राफी फिर अपनी बात शुरू करती है कहती है मिस्टर कार्सन ने मुझे बताया कि जिस रात यानी उनकी कश्ती डूबी उस रात वो आपसे बीच पर मिले थे देन ही कॉल्ड ऑन यू फॉर हेल्प तो फिर वो कहती है कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब आप उनसे बीच पर मिले तो उन्होंने आपको मदद के लिए पुकारा था एंड दैट यू रिफ्यूज और आपने मना कर दिया इन अ लैंग्वेज नॉट मेरली एब्यूसिव बट कैलस यानी एक ऐसी लैंग्वेज के अंदर जो कि ना सिर्फ एब्यूसिव थी यानी ना कि वो घटिया थी बल्कि मतलब हार्ड वर्ड यूज़ करना तो इसलिए मैं सिर्फ कहती है कि आपने ना सिर्फ घटिया लैंग्वेज यूज़ की बल्कि बहुत ही सख्त जो अल्फाज हैं जो वर्ड्स हैं वो भी यूज़ किए तो कैलस का मतलब हार्श है, बहुत वर्ड यूज है।, तो, कहता है आ, अच्छा, तो ये बात है मतलब उन्होंने ये बताया आपको तो टैपिंग उस मटेरियल को उस कपड़े के ऊपर वो भी मतलब थपथपाते हुए कहती है इट बैक यानी इसे वापस भेज दें हैच कहता है मतलब उस बेचारे ने इतनी मेहनत के साथ इतने पैसे लगाकर उसको मंगवाया और मिस इजाफे कह रही है इसको वापस भेज दें दे, तो इसके जवाब में हैच कहता है वो क्या क्या कहा आपने मिस्टर कहती है मिस्टर हैच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू पेट्रोनाइज अ ट्रेड्समैन हु इग्नोर्स हिज ड्यूटी एज अ कॉस्ट गार्ड तो मिस्टर कहती है कि मिस्टर हैच आप ये मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैं एक ऐसे आदमी से मतलब सामान खरीदूं पेट्रोनाइज का मतलब है कि मतलब ग्राहक बनना यानी मैं एक ऐसे आदमी की रेगुलर कस्टमर बनूं जो के क्या करता है कि अपनी ड्यूटी जो है जो कि उसकी कोस्ट गार्ड की ड्यूटी है उसको जो इग्नोर करता है उस आदमी की मैं कस्टमर जो है वो बनना नहीं चाहूंगी तो इसके बाद कहता है बट यू मस्ट टेक इट लेकिन आपको ये लेना ही होगा मतलब आपको ये कपड़ा जो आपने मंगवाया है ये लेना ही होगा कहती है फॉर hmm, विच अच्छा अब ये जो डॉट है ना डॉट बता रहे हैं कि ये मतलब मिसिज इजाफे ने अभी अपनी लाइन कम्प्लीट नहीं की थी बीच में हैच बोलने लग पड़ा और फिर मिसिस इराफे ने अब आगे complete की लाइन यानी ये आगे वाली जो लाइन है ना उसके साथ इसको जोड़कर आप पढ़ेंगे फॉर विच ही इज पेड टेन शीलिंग्स और ये वो उसकी ड्यूटी है जिसके लिए उसको टेन shillings जो है वो दिए जाते हैं एंड हु अलाउज हिज फेलोमैन और जो कि अपने फेलोमैन अपने साथी जो है उनको अलाउ करता है अब ये जो एंड वाली लाइन है ना इसका मतलब भी क्लियर नहीं है क्योंकि आगे डॉट लगा दिए यानी मिसिज राफे कुछ कहने वाली थी उससे पहले ही मिसेस टावल हाउस जो है उसने भी कुछ कह दिया इसलिए मिसिज राफे की जो बात है वो पूरी नहीं हो सकी और है जो था इसने भी मिसिज राफे को बीच में ही टोक दिया था तो फिर कहती है और मैं एक ऐसे आदमी से कपड़े लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी या एक ऐसे आदमी की गाहक बनना पसंद बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो कि अपने फैलो यानी अपने साथियों से अपने सर्वेंट से ये कहता है या ये करता है अलाउ यानी उनको इस चीज़ की इजाजत देता है अब यहाँ पे उसकी बात खत्म हो गई या फिर वो करने वाली थी या फिर मिसिज टाइल हाउस ने उसको बीच में टोक बात पूरी नहीं करने दी मिसिस टायल हाउस कहती है एंड योर ड्यूटी एज अ क्रिश्चियन यानी और तुमने वो ड्यूटी यानी तुम्हारी एज अ क्रिश्चियन जो ड्यूटी है मतलब एज अ क्रिश्चियन कौन सी ड्यूटी है कि मतलब तुमने लोगों की मदद करनी है एज अ क्रिश्चियन तो उसके जवाब में हैच कहता है डिड यू सी द स्टोम अब यहाँ पे स्टॉम का यानी उस तूफान का बहाना लगाया गया कि क्या आप लोगों ने उस रात वो तूफान देखा था जो आया था कुड आई डू मैं वहां पर क्या करता या क्या कर सकता था क्रिस्टन और नॉट काम दॉटर्स मिसे राफे यानी चाहे मैं वहां पर मतलब बात वहां पर क्रिश्चन की नहीं है चाहे मैं क्रिश्चन हूँ या क्रिश्चियन मैं नहीं हूँ क्या मैं उस वाटर को मतलब काम यानी उस तूफान को मतलब शांत कर सकता था मिस राफे आप मुझे बताएं तो मिसेज कहती है ओ oh, हाँ ये बात भी है मिस्टर फिर कहती है हैच इट्स इट्स ऑल ऑल ऑफ़ ऑफ़ पीस पीस अब का क्या मतलब है इट्स ऑल ऑफ पीस का मतलब है कि ये एक ही बात है यानी आप एक कोस्ट गार्ड हैं ये आपकी ड्यूटी बनती है मतलब ये जो तूफ़ान है ना चाहे आप इसको शांत नहीं कर सकते लेकिन इस तूफ़ान के अंदर जो मतलब मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है यानी ये एक ही बात है कि आपने चाहे तूफ़ान आए या तूफ़ान ना आए आपने लोगों की मदद ज़रूर करनी है आई वुड एक्सपेक्ट यू टू ब्लास्फीम यानी मुझे उम्मीद है या फिर मैं आपको आपसे उम्मीद कर सकती हूं कि आपने यानी विली को जरूर गालियां दी होंगी या बुरा भला कहा होगा मिस्टर कार्सन टेल्स मी यू रेव्ड रेव का जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऊंची आवाज़ में बात करना या हंगामा वगैरह मचाना तो मिस इराफे कहती है कि मिस्टर कारसन ने मुझे यह भी बताया कि आपने उनके साथ बहुत घटिया जुबान के अंदर या ऊंची जुबान के अंदर हंगामा मचाते हुए मतलब उनके साथ बात की और उनको स्वोर यानी उनको गालियां भी दी या उनको कर्स भी किया श्राफ वगैरह भी दिया तो हैज कहता है ही इज अ लायर वो एक झूठा है यानी एक नंबर का झूठा है वो मिसेज आप कहती है अ लायर वो एक झूठा है ये आप क्या कह रहे हैं या ये आप क्यों कह रहे हैं तो हैज कहता है एंड अ स्काउंड्रल स्काउंड्रल यानी वो बदतमीज है या बदजात है यानी कमीना है

मतलब वो अपनी गलती थोड़ी सी मानेगा और विली को थोड़ा सा मतलब ठीक कहेगा तो हैज कहता है नॉट अ लायर नहीं नहीं वो एक झूठा नहीं है नो no, बिल्कुल भी नहीं है बट ही वॉज हाफ ड्रोन लेकिन वो आधा नशे में था उस रात ही को नॉट अंडरस्टैंड मी इसलिए वो मुझे समझ नहीं पाया या मेरे इशारों को समझ नहीं पाया हाउ कुड यू एक्सपेक्ट इट यानी आप ये किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि एक आदमी जो है मतलब वो Uh, मतलब uh, समुद्र के किनारे या समुंदर के अंदर मर रहा है और मैं एज अ कोस्ट गार्ड उसकी मदद ना करूं ये एक्सपेक्ट आप कैसे कर सकती हैं द जेंटलमैन वॉज हेलुसिनेटेड यानी वो जो जेंटलमैन था वो नशे में था हेल्स का मतलब है कि यानी वो इमेजिनेशन के अंदर था मतलब उसने नशा किया हुआ था और वो अपने होशावास में नहीं था शॉक यानी वो कुछ ज्यादा ही चौंक गया था आई शॉकड इंस्ट्रक्शन टू हिम यानी मैंने तो उसको उसकी तरफ इंस्ट्रक्शन जो थी मतलब गाइडलाइन जो थी उसको इशारे करके मतलब मैंने उसको मतलब अपनी जान बचाने के मतलब इशारे किए कि वो किस तरह से अपनी जान बचा सकता है आई ट्राई टू हेल्प मैंने तो मतलब उसकी मदद करने की कोशिश की अब उसने नहीं समझे मेरे इशारे या मेरी इंस्ट्रक्शंस को अगर वो नहीं समझ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती है तो मिस्टर कहती है यू लेट एन इनोसेंट मैन ड्रोन यानी तुमने एक बेचारे मासूम या इनोसेंट यानी बेगुना आदमी को डूबने दिया अब यहाँ पे वो मिस्टर विली की नहीं बल्कि उसके दोस्त मिस्टर बैंथम की बात कर रही है कि तुमने मतलब बेचारे मिस्टर बैंथम को डूबने दिया जो कि इनोसेंट था तो हैज कहता है आई हैव सेंट बैक सो मैनी थिंग्स फॉर यू मिसिज राफ़े तो अब यहाँ पे फिर से वो अपने टॉपिक की तरफ आ गया कि मिसिज राफे मैंने पहले ही आपने इतने जो ऑर्डर पहले भी मुझे दिए थे वो भी आपने मतलब एक्सेप्ट नहीं किए तो मैंने आपके कहने पर पहले भी इतने सारे ऑर्डर्स मंगवाए और वो फिर मुझे वापस भेजने पड़े थे मतलब मैं पहले ही आपकी कहने पर बहुत सी चीजें मंगवा चुका हूं और बहुत सी चीजें वापस भेज चुका हूं मिस्टर राफे द कैलिको अब कैलिको जो है ये कपड़े की एक टाइप है जो कि यहाँ पे वो बता रहा है मैंने कैलिको जो है वो भी आपने मंगवाया था जो मैंने वापस भेजा था द आयरिश मजलिन मज़लिन कहते हैं सूती ट कपड़े को इरिश यानी इरिश का बना हुआ जो कपड़ा होगा तो मतलब इरिश का जो मजलिन था वो भी आपने मंगवाया था जो कि आपने नहीं लिया वो मैंने वापस किया था द सेट ऑफ रेनिसंस चेयर कवर्स विद दोज वंडरफुल एम्ब्रॉयडर्ड हंटिंग सीन्स उसके अलावा रेनेसंेंस के टाइम के जो मतलब चेयर के कवर थे जो पर्दे थे चेयर के ऊपर चढ़ाने वाले जो चदरें वगैरह थी जिनके ऊपर क्या बना हुआ था कि जिनके ऊपर हंटिंग सीन यानी शिकार करने वाले जो सीन्स थे वो उसके ऊपर मतलब प्रिंट किए हुए थे वो

इजाफे मेरा ये जो काम है ना जो बिजनेस है ये बहुत छोटा सा है यानी मेरा बहुत छोटा सा कारोबार है आई एम ऑन द ब्लैक लिस्ट यानी मैं ब्लैक लिस्ट के अंदर हूँ यानी लोग जो हैं वो मुझे मतलब बुरा समझते हैं यानी मुझे वो दो नंबर समझते हैं कि मैं शायद हर बार चीज़ मंगवा के वापस कर देता हूँ ये समझते हैं लोग मुझे आई हैड टू पे फॉर ऑल दिस बिफोर दिस सेंट इट यानी आपने ये जो ऑर्डर मंगवाया था ना इसके पैसे बहुत ज्यादा थे और वो जितने भी पैसे थे ना वो मैंने ऑर्डर रिसीव होने से पहले यानी एडवांस में ही पे किए थे एंड आई मेड सच अ फर्स्ट अबाउट डिलीवरी फर्स्ट का मतलब होता है बिला वजह परेशान होना यानी आपने ये जो ऑर्डर मंगवाया था इसके लिए मैंने पहले ही सारी एडवांस में पेमेंट दी थी उसके अलावा मैंने आपका ये जो ऑर्डर है इसके बारे में बिला वजह ही बहुत ज़्यादा टेंशन ली है या बहुत मुश्किलों के साथ ये ऑर्डर जो है ये मंगवाया है ऑल माई कैपिटल हैज़ ग इन टू कैपिटल का मतलब है एसेट्स यानी असासे यानी जितनी भी मेरी दौलत थी जितनी भी मेरी जमा पूंजी थी वो सारी इसके अंदर लग चुकी है मिस्टर राफे कहती है यू शुड हैव थॉट ऑफ दैट बिफोर यानी ये सब कुछ आपको पहले सोचना चाहिए था आई वॉन्ट हैव इट इन द हाउस यानी ये जो अब पर्दे हैं इनको मैं अपने घर में नहीं लगाऊंगी आई वुल अफ्रेड टू हैव द करज ड्रोन यानी जब भी ये जो पर्दे हैं जब भी मैं अपने घर के अंदर यानी विंडो के ऊपर लगाऊंगी या खोलूंगी ना ड्रॉन यानी खोलूंगी इनको मतलब विंडो के आगे करूंगी ना तो मुझे डर लगेगा दे वुड रिमाइंड मी ऑफ़ द ट्रैइटी जब भी ये पर्दे मतलब अपनी विंडो के ऊपर मैं खोलूंगी या लगाऊंगी ना तो ये मुझे उस हादसे की याद दिलाएंगे जिसके अंदर मिस्टर बैंथम की डेथ हुई थी तो हैच आगे से कहता है आई ट्राई टू हेल्प यानी मैंने तो मिस्टर विली की और मिस्टर बैंथम की मदद करने की कोशिश की थी आई हैव नेवर सीन सच अटॉम यानी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का तूफान नहीं देखा You didn't see it. आपने भी इस तरह का तूफान नहीं देखा होगा या यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि यू see it। यानी उस रात आपने भी वो जो तूफान है वो नहीं देखा होगा या नहीं देखा था यू वर योर बेड का वर्ण, जो वर्ड है इसका मतलब होता है सुकून के साथ बेड में बैठना यानी बेड रात को ना बेड के अंदर कुछ ज्यादा ही सुकून के साथ बैठे होना तो यहाँ पे हैच कहता है कि आपने वो तूफान नहीं देखा था क्योंकि आप सुकून के साथ उस रात अपने बेड के अंदर Uh, मतलब सेफली यानी हिफाजत के साथ लेटी हुई थी माई नेम माई गुड विल माई होल लाइफ वर्क इज़ एट सैक यानी मेरा नाम मेरी रेपुटेशन यानी मेरी इज्जत और मेरी पूरी जिंदगी का जो काम है ना वो दाव पर लगा हुआ है आई एम ऑन द एज ऑफ अ टेरेबल डिजास्टर यानी मैं ना एक बहुत बड़े हादसे के किनारे पर हूँ यानी मेरी लाइफ जो है ना वो एक ऐसे किनारे पर है जहाँ पर मेरे साथ किसी भी टाइम एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है तो जिस राहुल फिर कहती है इट गोज़ बैक यानी ये कपड़ा तो अब ही जाएगा प्रिपेयर्स टू गो यानी तैयार कर लें आप इसको रोल रोल करके वापस भेज दें मतलब वापस भेजने की तैयारी कर लें तो हैज कहता है आई सी अच्छा अब मैं समझ रहा हूँ यू आर एक्टिंग ऑन हिज इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यानी अब आप भी उसके इशारों पर नाच रही हैं देन वट्स ही सेट टू यू फिर वो पूछता है क्या उसने यानी विली ने आपसे क्या कहा हैज ही टोल्ड यू टू ब्रेक मी यानी क्या उसने आपसे ये कहा कि मुझे कंगाल कर दें आप आकर मुझे बर्बाद कर दें यू आर इज फर्स्ट विक्टम यू हैव बिन करप्टेड यानी आप जो हैं आप उसकी पहली विक्टम हैं पहली शिकार हैं जिसको उसने अपने झांसे में लिया है यू हैव बिन करप्टेड यानी उसने आपको करप्ट कर दिया है खराब कर दिया है अंदर से तो यहां पे राफे कहती है है टर्निंग टू गो जो होती है उस उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती तो वो मुड़ कर जाने लगती है तो कहती है गुड डे यानी गुड डे कहकर वो वहां से दुकान से जाने लगती है तो हैज होता है स्टैंडिंग बिटवीन हर एंड द डोर सम वे फ्रॉम हर तो जब मिसेज इजाफे जाने लगती है ना तो वो डोर के आगे ना कुछ फासले पर मिसे इजाफे से कुछ फासले पर डोर के आगे आकर खड़ा हो जाता है यानी उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है मिस राफे के और कहता है आई मस्ट स्पीक आउट मिसिज राफे यानी मिसि राफे अब मैं चुप नहीं रहूंगा अब मुझे बोलना ही होगा या मुझे बोलना चाहिए अब मिस्टर कारसन इज़ अ स्पाई तो वो बोल देता है कहता है मिस्टर कारसन यानी विली जो है वो एक जासूस है ही मर्डर्ड उसने एक कत्ल किया है मिस्टर बैनथम यानी मिस्टर बैंथम का उसने कत्ल किया है ही इज़ हेयर ऑन अ मिशन वो यहाँ पर हमारी ज़मीन पर हमारे इस गोले के ऊपर

होता है गोल गोल जो होता है उसको भंवर कहते हैं विरलवंड और मिस्टर विली जो है वो बहुत जल्द भंवर का जो तूफान है उसकी फसल जो है उसको काटेगा अब यहाँ पे मतलब फसल के साथ एग्जाम्पल दे रहा है हैच कि जिस तरह से किसान जो होता है ना वो मतलब गंदम के बीज जो है उनको बोने के बाद गंदम की फसल को काटता है उसी तरह से हैच कह रहा है कि मिस्टर विली जो है ना वो हमारे यहाँ पर दरमियान में रहते हुए नी की हवा जो है वो पैदा कर रहा है पैदा कर रहा है यानी सी रहा है यानी सिलाई कर रहा है यानी ऐसे कपड़े को सिलाई कर रहा है जो कि झगड़े वाला है जो कि हमारे दरमियान झगड़ा पैदा करेगा और आखिर में ये झगड़ा क्या करेगा कि ये आगे जाकर एक मतलब ऐसे भवर की शक्ल इख्तियार कर लेगा जो कि बहुत नुकसान पहुंचाएगा मिसेस टाइलाउस कहती है मिसेस राफेक करप्टेड मतलब हैस तुमने क्या कहा कि मिसेस राफेक जो है वो करप्ट हो गई हैं मतलब कि आप उनको खराब कर दिया गया है ओ व्हाट एल्स डिड ही से इसके अलावा तुमने क्या कहा स्पाई मर्डर मतलब तुमने इसके अलावा क्या कहा एक जासूस

उस सेंस के अंदर बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो यानी एक मतलब जो कपड़े चलाने वाली दुकान का आदमी होता है ना यानी एक कपड़ों वाली दुकान का जो आदमी होता है ना जो उसको चलाता है उस आदमी का जो दिमाग होता है ना वो इतना ज्यादा ओवर इमेजिनेटिव नहीं होता जितना तुम्हारा है नो डाउट यू शुड हैव टेकन अप समथिंग मोर आर्टिस्टिक यानी इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हें कोई और जो आ, हुनर जो है वो सीखना चाहिए किसी और फील्ड में अप्लाई uh, करना चाहिए जिस जितनी यानी तुम्हारी इमेजिनेटिव हाई है सर्टनली यू हैव नॉट फाउंड योर प्रॉपर प्लेस इन आवर कम्युनिटी और ये बात भी सच है या फिर ये बात भी यकीनी है कि तुम्हें अभी तक हमारी सोसाइटी के अंदर वो जगह नहीं मिली जो तुम्हारी होनी चाहिए इट वुड बी बेटर इफ़ यू वर टू क्लोज योर शॉप एंड लीव यानी तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपनी ये जो कपड़ों की दुकान है इसको बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ तो हैज कहता है यस yes, आई एम मोर इन द क्रिएटिव लाइन यानी मिसिज राफे हाँ हाँ आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही कि मैं कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हूँ यानी मेरे अंदर जो हुनर है ना वो कुछ ज्यादा ही है दे ऑलवेज सेट दैट एट स्कूल जब मैं स्कूल में था ना तो सब लोग यही बात कहते थे बस हेड स्कॉलर इन बिब्लिकल क्लास यानी हमारी जो बाइबल वाली क्लास होती थी ना जिसमें हमें बाइबल के बारे में बताया जाता था उस क्लास के अंदर मैं हेड था यानी उन सब का उन सब बच्चों का मैं वहाँ पर हेड स्कॉलर था यू विल टेक द मटीरियल मिसिस राफे और फिर वो पूछता है कि मिसज राफे आपको ये जो मटेरियल है ना ये लेना ही होगा क्या मतलब आप नहीं लेंगी दिस हॉल शॉप फ्यूचर yani, के, put by. Put by के लिए सेव करके रखना है ना मैंने सेव करके रखे थे अपने फ्यूचर के लिए वो भी मेरी दाव पर लगी हुई है नॉट मच यानी कुछ ज्यादा नहीं बल्कि वही जो थोड़ी बहुत रकम थी वो सारी लग चुकी है देर इज नो बिग बायर्स हेयर उसके अलावा हमारी ये जो मतलब टाउन है तो आप ये भी जानती हैं कि मतलब हमारी इस दुकान के अंदर मेरी इस दुकान के अंदर हमारे टाउन के कुछ ज़्यादा लोग नहीं आते मतलब मेरी इस दुकान जो है वो ज़्यादा नहीं चलती उसके अलावा जो थोड़े बहुत मेरे पास पैसे जमा थे वो भी मैंने लगा दिए हैं आपके इस ऑर्डर के अंदर आई कुड नॉट सेटअप इन द लार्जर टाउन्स और इसके अलावा मैं अपने आप को जो बड़े टाउन्स हैं वहाँ पर जाकर भी अपनी ये दुकान जो है शिफ्ट नहीं कर सकता या वहाँ पर जाकर भी अपनी ये दुकान नहीं खोल सकता नो कैपिटल यानी इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है पैसे वगैरह नहीं है बट आई हैव वर्कड हार्ड लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है मच ऑफ इट अगेंस्ट द ग्रेन अच्छा अगेंस्ट द ग्रेन जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करना यानी एक बंदा जो है ना वो जितना काम कर सकता है ना अगर वो उससे ज्यादा काम करे तो उसको कहते हैं यानी उसके लिए ये फ्रेज यूज की जाती है अगेंस्ट द ग्रेन यानी मैंने जो है ना वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया है माय इंक्लिनेशंस बीइंग एल्सवेयर एज़ यू सो राइटली पॉइंटेड आउट यानी इनकलीशन का मतलब है कि मेरे जो इशारे हैं ना काम करने के या जो जिस तरह से मैं मतलब मेहनत के साथ काम करता हूँ ये चीज़ यही शो करती है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता या ये जो मतलब कपड़ों वाली दुकान है इससे मैं बिलोंग नहीं करता मुझे इससे कुछ ज़्यादा बड़ा करना होगा या इससे ज़्यादा कुछ बड़ा करना जो है वो मेरे लिए है या मैं कुछ ज़्यादा बड़ा करने के लायक हूँ एज यू सो राइटली पॉइंटेड आउट यानी ये वही बात है जो कि आपने थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट की कि मुझे मतलब किसी और फन के अंदर जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हूँ। तो यही बात वो यहाँ पे कर रहा है कि मेरे जो काम करने के इशारे हैं जो मेरी मतलब जो काम है ना वो इस चीज़ की तरफ इशारा करता है मैं ना इस कपड़ों की दुकान से बिलोंग नहीं करता डू यू वॉन्ट मी टू क्रोल यानी क्या आप चाहती हैं कि मैं रेंगना शुरू कर दूँ क्रोल का मतलब है यानी क्या आप चाहती हैं कि मैं रेंग रेंग कर भीख मांगना शुरू कर दूँ मिस राफे फील द स्टफ मैम फिर कहता है मैम आप थोड़ा सा कपड़े को मतलब पकड़ के तो देखें कपड़े को हाथ तो लगा के देखें रियली एन एजुकेटेड पर्सन ऑफ योर टेस्ट काउ रिजिस्ट अ प्रोडक्ट एज ब्यूटीफुल एज तो फिर कहता है कि आपकी तरह की जो मतलब एजुकेटेड यानी पढ़ी लिखी औरत है वो इस तरह का जो खूबसूरत प्रोडक्ट है कपड़ा जो है वो इसको कभी भी इनकार नहीं कर सकती ये कहकर क्राइंग वो रोने लग जाता है और फिर कहता है बट ओ द पीटी ऑफ इट इज यू डोंट सी द होल कम्युनिटी इज थ्रेटन बाय दैट स्वाइन यस स्वाइन बास्टर द वेलफेयर एंड लिवलीहुड ऑफ दिस होल टाउन वो रोते हुए कहता है कि अफसोस की बात तो ये है आप ये बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि हमारी ये जो पूरी कम्युनिटी है ना वो एक स्वाइन के जरिए स्वाइन कहते हैं खनजीर को यानी जो पिग होता है यानी एक पिग के जरिए हाँ वो पिग ही है वो कमीना है द वेलफेयर एंड लिवलीहुड ऑफ दिस होल टाउन यानी हमारे इस टाउन की जो वेलफेयर है जो तरक्की है और जो लिवलीहुड है यानी जो अच्छा रहन सहन है हमारे टाउन का हमारे लोगों का अच्छा रहन सहन है और जो मतलब हमारे टाउन की जो तरक्की है उस सारी चीज को और हमारी इस कम्यूनिटी को पूरी चीज को एक स्वान यानी खंजीर से एक कमीने से खतरा है आप ये चीज नहीं देख सकती ही ट्रिक्ट यू है यानी उसने आपके साथ चाल चली है या धोखा दिया है आपको ओनली आई स्पॉटेड हिम सिर्फ मैं उसको पहचान सका हूं अब तक

किक करूंगा विद माय बूट अपने जूतों के साथ यानी जितना भी वो नाटक कर रहे ना डूबने का मैं उनको यहाँ पर इंटर होने नहीं दूंगा बल्कि मैं उनकी टांगों के दरमियान उनको किक करूंगा तो फिर क्या होता है कि थॉम्सन कार्टर एंड हॉरकट कम आउट ऑफ फ्रॉम द बैक ऑफ द शॉप तो ये तीनों जो होते हैं वो दुकान के पीछे से आते हैं कहती है थॉमसन आर यू स्टिल हेयर थॉमसन तुम अभी तक यहीं पर हो कहता है मिसेज मिसिज मतलब वो मिसिज मिसिस करता मतलब अब बात को टाल रहा है या फिर वो अब उसके पास कोई जवाब नहीं है तो इसलिए वो उसका बार बार नाम ले रहा है तो काटर कहता है कांट यू कीप योर योट क्लीन हैच हैच स्नोट का जो वर्ड है ना इसका मतलब है नोज नोज यहाँ पे इसका मतलब है तो काटर कहता है कि मतलब हैच क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते अब यहाँ पे मतलब ये जो है ना ये पूरी लाइन एक फ्रेज है यानी एक ए, मतलब किसी को ना बुरा भला कहने के लिए जुमला यूज़ किया जाता है जिसके अंदर में कहते हैं कि क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते तो उसी तरह से कार्टर जो है ना वो यहाँ पे उसको भी यही कह रहा है कि क्या तुम अपनी नाक को साफ़ नहीं रख सकते ये इसका वर्डली मीनिंग है लेकिन डीपर इसका मीनिंग ये है कि मतलब अपने काम से काम नहीं रख सकते नाउ विल बी द डेविल टू पे यानी पे अब ये कार्टर चाह मतलब रहा है उसने अपने इस ऑर्डर को रिजेक्ट किया है तो तुमने फिर भी उससे ये ऑर्डर ले लिया और अब फिर वो रिजेक्ट कर रही है तो क्या तुम मतलब अपने काम से काम नहीं रख सकते या फिर तुम्हें अपने बिजनेस का नहीं पता कि कैसे उसको चलाना है अब जो है मतलब क्या होगा कि नाउ देर बी द डेवल टू पे यानी अब तुम्हें ये जो मतलब बिल है इसको पे करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी देर बी दू पे का मतलब ये, है, मतलब अब ये जो काम है ना आगे का जो काम है वो बहुत मुश्किल होने वाला है मतलब तुम्हें ये जो अब पैसे है ना इस ऑर्डर के वो देने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी या वो निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी मिसेज राफे से तो हम उसके बारे में कहते हैं डोंट माइंड मिस्टर हैच मिसेज मतलब मिसिज यानी आप मिस हैच का बुरा नाम माने ही लाइक्स टू स्पॉट अलोट आ ओल्ड रोड स्पोर्ट aloud का मतलब है तेज आवाज में बात करना ओल्ड रोड जो वर्ड है इसका मतलब है बेतुकी बातें करना तो यहां पे थॉमसन कह रहा है कि मिस राफे आप जो है ना मतलब आप मिस्टर हैज की बातों का बुरा ना माने क्योंकि इनको आदत है इस तरह से तेज आवाज में मतलब बेतुकी बातें करने की इनको आदत है वी वी we कोस्ट कोस्ट कैन यानी हम गार्ड है और हमें पता है कि हम अपना काम जो है वो बहुत अच्छे तरह से करते हैं वी डोंट पुट टाउन मनी इन आवर पॉकेट टिल वी अर्न एन ये जो एन है ना इसका मतलब है एंड यहाँ पे ना थॉमसन जो है ना वो अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि होलकर जो होता है वो उसको बीच में रोक देता है

एंड विद यू क्राइम यानी यू ड्यूटी यानी आप अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ रो भी रहे हैं ये क्या बात हुई मिसि राफे टेक्स होल्ड ऑफ थॉम्सन एयर तो मिस इजराफे जो होती है वो थॉमसन का कान पकड़ लेती है तो मिस इराफे कहती है जस्ट एज यू अर्न मनी इन माई गार्डन अब ये उसने थॉम्सन की बात का जवाब दिया है जो थॉम्सन एंड में बात कही ना यानी हम टाउन के लोगों के पैसे तभी अपनी पॉकेट में डालते हैं जब हम उनको मतलब अपनी पॉकेट में डालने का हक रखते हैं यानी जब हम उनको हलाल तरीके के साथ काम करके कमाते हैं हम तभी उनके पैसे अपनी पॉकेट के अंदर डालते हैं तो उसी का जवाब यहाँ पे मिसे इफे दे रही है कि मैं भी तुम्हें अपने गार्डन के अंदर काम करने के पैसे देती हूँ ना कि यहाँ पर आने के और ये कहकर वो मतलब उसका कान पकड़ लेती है नाउ गेट बैक टू वर्क फिर कहती है अब दफा हो जाओ काम करो जाके वापस मेरे गार्डन के अंदर तो थॉमसन तो कहता है आउच मिसिज विल हैव माई हेड ऑफ यानी थॉमसन जो है ना वो कहता है ओ मिसिज राफे जिस तरह से आपने मेरा सर पकड़ा हुआ है इस तरह से मेरा सर जो है वो निकल जाएगा तो मिसेस राफे कहती है आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस यानी बेवकूफ़ी इनफिस बे, की बातें तो यहाँ पे कहती है कि ये बेतु की बातें जो है ना वो मैंने बहुत सुन ली अब मैं नहीं सुनूंगी मिस ध्यान करो लोइस ही इज टू हैवी फॉर यू यानी ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है यहाँ से जिसको तुम लेकर जा रही हो ना ये तुम्हारे लिए बहुत भारी है मिसे लीड्स थॉमसन आउट बाय द एयर मिसिज राफे जो होती है वो थॉमसन को कान से पकड़ कर बाहर की तरफ ले जाना शुरू करती है द डोरबेल क्लैंग्स तो इतने में डोरबेल जो होती है दरवाजे की वो बचती है कार्टर हॉलरकट एंड मिसेस टाइल हाउस गो आउट आफ्टर हर मिसेस मिस के बाहर जाने के बाद ना कार्टर जो होता है हॉलरकट और मिसेस टाइल हाउस ये भी वहां पर बाहर चले जाते हैं हैच इज लेफ्ट अलोन अब दुकान के अंदर सिर्फ हैच खड़ा होता है तो हैच की लाइन है वो कहता है आई टू कैन ऑर्डर एंड order बुक यानी आई टू एन ऑर्डर यानी मैंने मेरे इजाफे से ऑर्डर लिया था और उस ऑर्डर की जो कॉपी है ना वो मेरी ऑर्डर वाली बुक के अंदर भी है He picks up his shares और ये कहकर ना वो उसकी जो कैंची होती है शेयर्स का मतलब है कैंची एक स्पेसिफिक टाइप की कैंची होती है जो कि दर्जियों के पास होती है तो फिर वो है जो होता है ना वो ये कहने के बाद कैंची उठा लेता है सो शील टेक डिलीवरी एंड पे तो मतलब जब पहले वो कहता है ना कि मतलब मैंने एक ऑर्डर लिया है और उसकी जो कॉपी है वो मेरी बुक के अंदर भी है तो फिर ये कहकर वो कैंची उठाता है फिर वो कहता है कि मिसेस इराफे जो है ना वो ये जो उन्होंने मतलब सामान मंगवाया था उसकी डिलीवरी जो है वो भी लेंगी और पैसे भी देंगी एंड शी कैन कलेक्ट आई एम डैम्ड इफ आई डिलीवर टू द डॉल यानी पहले हैश ने कहा कि उसने जो ऑर्डर दिया है वो ये लेगी ऑर्डर और फिर उसके पैसे भी देगी फिर वो कहता है कि ये ऑर्डर जो है ना ये कपड़ा जो है वो ये ख़ुद इधर आकर लेगी और अगर मैंने उसको जाकर उसके दरवाजे पर ये कपड़ा दिया तो मैं तबाह हो जाऊं पीस ऑफ थ्री योडस यानी ये जो कपड़ा है ये ऐसे पीस है जो कि तीन तीन योड़ के उसने कहा था कि कट करने हैं ही स्टार्ट कटिंग थ्री योड लेंस फ्रॉम द रोल तो ये कहकर वो रोल को खोलता है और उसमें से तीन तीन योड का कपड़ा काटना शुरू कर देता है योर जो है ये भी लेंथ होती है कपड़े के अंदर दिस इज द मोमेंट दस्ट एंड प्रूव यानी मतलब अब वो कपड़ा भी काट रहा है और साथ साथ खुद से बातें भी कर रहा है कि ये वही लम्हा है, है जिसके अंदर मुझे मेरा टेस्ट हो रहा है और मैंने प्रूव करना है कि मैं मतलब बिल्कुल ठीक हूं या फिर

अब पलपेट pulpit. Pulpit जो है ना ये वो जगह होती है जहां पर जाकर खुतबा दिया जाता है यानी जा, मतलब आप समझ ली कि आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनको आपने एड्रेस करना है तो जिस जगह पर जाकर आप मतलब जिस जगह पर जाकर ऊंची जगह पर जाकर उनको एड्रेस करेंगे ना उसको पलपेट कहते हैं मेम्बर तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि वो जो जगह होगी ना जहां पर जाकर मैं उन मतलब वो जो अफसरान है कार्रवाई करने वाले उनको मैं सारी बातें बताऊंगा वो क्या होगा कि वो मेरा पब्लिक पलपेट होगा जहां पर जाकर मैं लोगों को एड्रेस करूंगा और विली के बारे में सारी बातें बताऊंगा फिर कहता है ओ गोड वट कैन आई डू अब मैं क्या करूं मतलब मैं क्या कर सकता हूँ नेवर बिलीव मी यानी वो लोग जो है वो मेरा कभी भी यकीन नहीं करेंगे द फूल्स वो बेवकूफ हैं द स्वाइन और विली जो है वो एक स्वाइन है खंजीर है पिग है कटिंग और ये सब कुछ वो मतलब पर्दा काटते हुए कह रहा है फिर कहता है केयरफुल यानी अपने आप से कह रहा है कि हैच ध्यान करो थ्री योर्स यानी तीन यार्ड का कपड़ा काटना है डोंट लेट योर हैंड शेक यानी अपने हाथों को हिलने ना दो स्टॉप दैट यानी अपने हाथों को रोक लो नो ट्रेवलिंग ये हिल रहे हैं इनको रोको नो कंप्लेंट्स क्योंकि मुझे कस्टमर की कंप्लेंट नहीं चाहिए थ्री योर फिर कहता है हाँ तीन योर कपड़ा काटना है आई विल टेक माई शेयर टू दैट लिटिल स्वाइन फिर कहता है मैं ये जो मेरी मोटी सी कैंची है इसको मैं उस स्वाइन का यानी विली के पास लेकर जाऊंगा

कि ये जो मतलब विली है ना ये मेरे पास काम करने के लिए आ जाए एज अ सर्वेंट बैगिंग लाइक अ स्किवी वर्कर अब स्किवी वर्कर क्या होता है स्किवी कहते हैं घरेलू मुलाजमा जो होती है जो कि आपके सारे काम करती है वर्कर यानी काम करने वाला तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मतलब डिजायर शो कर रहा है कि काश काश ये जो विली है ना ये किसी तरह से ना इसको ना कोई बंदा जो है वो मेरे पास काम करने के लिए भेज दे और जिस तरह से घर पर काम करने वाले मुलाजिम होते हैं ना काशी उनकी तरह आकर मेरे से भीख मांगे कि इस इसने मेरे पास काम करना है पिकिंग रैग्स तो फिर ये वहां पर मेरे पास काम करेगा और क्या करेगा कि पिकिंग रैग्स एक्स का मतलब होता है जो टुकड़े होते हैं मतलब जो कप, कपड़ा वगैरह हम काटते हैं ना जो मतलब दर्जी होता है ना जो कपड़े वगैरह काटता है जो छोटे छोटे टुकड़े वगैरह नीचे गिरते हैं उसको कहते हैं रैग्स तो कहता है जब ये मेरे पास काम करने के लिए आएगा ना तो ये वहां पर क्या कर रहा होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़े उठाएगा क्लीनिंग ड्रेन्स जो मतलब पानी वगैरह कहीं पे गिरा होगा उसको साफ करेगा मतलब झाड़ू पोछा करेगा हेयर्स क्रस्ट माई मैन फिर मैं उसे ऐसे कहूंगा कि वो देखो मतलब क्रस्ट यानी वो देखो मतलब मेरे नौकर मतलब मेरे गुलाम वो देखो वहां पर एक छिलका है माई मैन मग ये लो ये मतलब मग यानी ये प्याला लो ड्रॉ योर सेल्फ थोड़ा सा पानी भर के लाओ नो no. फिर वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और कहता है नो no, नहीं 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 थ्री यार्ड मुझे तो कपड़ा काटना है तीन यार्ड वन टू थ्री फिर वो अपने काम में शुरू हो जाता है तो इतने में क्या होता है कि हॉलर कट अपियर्स इन द डोर अब डोरवे क्या होता है डोरवे होता है कि दरवाजे के साथ जो सामने जगह बनी होती है ना मैं पिक्चर लगा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी उसको डोरवे कहते हैं तो हॉलकट जो होता है वो दुकान के सामने डोरवे के अंदर प्रेजेंट होता है मतलब वहां पर नजर आता है ही इज लुकिंग डाउन द स्ट्रीट अब वो मतलब गली में देख रहा होता है द डोरबल क्लैंग्स ऑल द वाइल्ड ही टार्क यानी उसने अब दरवाजा खोला हुआ है थोड़ा सा दरवाजा खोलता है और गली में देख ना वो बात कर रहा है यानी अभी वो हैच को नहीं देखा उसने गली में देख वो बात कर रहा है तो हॉलोक की लाइन में कहता है शी इज लीडिंग हिम अलोंग द फ्रंट बाय दीडिंग हिम हिम यहाँ पे वो किसको कह रहा है पे वो थॉम्सन की बात कर रहा है, कि राफे जो है वो मतलब कान से न, इसको हैरत से देखना हैरान होकर देखना दे आर किस को वो कह रहा है बाकी दुकान वालों को यानी बाकी दुकान वाले जो है ना वो अपनी दुकानों से बाहर आकर मिसिज राफे को थॉम्सन को ले जाते हुए हैरानगी के साथ देख रहे हैं ओल्ड मिसिज टाइल हाउस ट्रेनिंग हिस्स आर्स विद हर ब्रूजरी अच्छा ओल्ड मिसेज टाइल हाउस जो है ना वो क्या कर रही है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब है बीटिंग यानी मारना हिज आर्स आर्ट्स जो है यहां पर ये मतलब है बम को कहते हैं एज यानी उसके पिछवाड़े पर विद हर ब्रूली ब्रूली यानी अम्ब्रेला यानी छतरी यानी जो बूढ़ी मिसेस टाइल हाउस है ना वो थॉमसन के पिछवाड़े पर यानी उसकी बैक पर उसकी ऐस पर अपनी छतरी से मार रही है द ओल्ड टाटर टाटर का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है ये किसी ऐसे बूढ़े आदमी के लिए या ज्यादा उम्र वाले आदमी के लिए यूज किया जाता है जो कि क्या होता है कि जो कि अनप्लीजेंट होता है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता जो कि चिड़चिड़ा होता है तो यहाँ पे वो यही मिसेस टाइल हाउस को कह रहा है कि वो ओल्ड टार्टर यानी वो जो मिसेस टाइल हाउस है ना वो बहुत ही चिड़चिड़ी है वो घटिया है ही विल बी ब्लैकर एक ऑफ स्पेड्स यानी अब यहाँ पे फिर वो हील भी थॉमसन को कह रहा है कि यानी जिस जितनी उसको मार पड़ रही है ना बेचारे को तो उसका हाल क्या हो जाएगा कि ब्लैकर यानी वो काला हो जाएगा ब्लैकर एंड अ एक ऑफ स्पेड्स अब स्पेड जो होता है ना ये ताश के पक... पत्ते को कहते हैं एक स्पेड का मतलब है ताश का पत्ता जो कि ब्लैक कलर का होता है ना एक, एक ब्लैक पर्सन के लिए जितनी उस बेचारे को मार पड़ रही है ना वो काला हो रहा है और वो इतना ज्यादा काला हो रहा है कि वो एक हबशी की तरह या फिर ताश के पत्तों के अंदर जो मतलब ब्लैक स्पेड होता है ना जो एक पत्ता होता है बहुत ज्यादा काला होता है उस पत्ते की तरह वो बेचारा काला हो जाएगा हैव यू एवर सीन द लाइक यानी फिर वो अपने आप से कह रहा है या फिर हैच को मतलब बताते हुए कह रहा है लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रहा कि क्या तुमने मतलब अपनी लाइफ के अंदर कभी भी इस तरह का सीन देखा है हो अप लेड्स फिर कहता है हो हो का मतलब हेलो अप यानी उठ जाओ लैड्स यानी लड़को उठ जाओ शी कम वो फिर से आ रही है ही द शॉप ये कहकर होलरकट जो होता है वो दुकान के अंदर आ जाता है द डोर बेल स्टॉप्स मतलब दरवाजे की घंटी जो है वो मतलब क्लैंगिंग यानी बजना बंद कर देती है ही स्टॉप्स वेन ही सीज हैच तो जब वो दुकान के अंदर आकर हैच को देखता है तो वो रुक जाता है। हैच इज स्टिल कटिंग द मटेरियल स्लैशिंग एंड टीरिंग एट इट व्हेन द शर स्टिक हैच जो होता है ना वो अब भी कपड़े को काट रहा होता है और उसकी जो कैंची होती है ना जब यानी वो कैंची से कपड़े को काट रहा होता है तो जहां जहां पर उसकी कैंची जो होती है ना स्टिक यानी वो अटक रही होती है ना तो वहां से वो कपड़े को स्लैशिंग यानी फाड़ रहा होता है और टीरिंग यानी वो फाड़ रहा होता है और जोर जोर से ना कैंची को उसके ऊपर मार रहा होता है मतलब थोड़ा सा जोर लगा रहा होता है जिससे वो कपड़ा खराब हो रहा होता है द मटीरियल अन द फ्लोर तो रोल जो था ना वेलवेट का जो कि मिसरी राफे ने मंगवाया था उसको सारे को खोल कर ना वो जमीन के ऊपर रखा हुआ होता है किसने हैच ने फिर ट की लाइन है वो हैज से पूछता है वट एवर यू टू मिस्टर हैच यानी मिस्टर हैच आप ये क्या कर रहे हैं तो हैच कहता है पॉइंटिंग टू द ही हैज कट वो उन पीसिस के ऊपर इशारा करते हुए जो कि उसने अभी भी काटे हैं हैच कहता है Roll them up, इनको रोल करो यानी इनको ठीक से रोल करो जो pieces मैंने काटे हैं बिल्ली नाइस एंड नीट यानी अच्छे तरीके के साथ और साफ सुथरे तरीके के साथ तुमने इनको रोल करना है यू कान ड्रॉप हाई क्लास गुड्स इन द बॉटम ऑफ अ कार्ट लाइक अक ऑफ स्प्रोर्ट्स यानी तुम कभी भी जो हाई क्लास के लोग हैं ना उनकी जो चीजें हैं उनको कभी भी एक ऐसे खाने के अंदर काट कहते हैं एक ऐसा खाना यानी अलमारी के अंदर जो खाने जिस तरह से होते हैं तो उस तरह का मतलब उस टाइप का ये यहाँ पे बात कर रहा है कि तुम कभी भी अमीर लोगों की जो चीज़ें होती हैं ना कपड़ों वाली उनको किसी ऐसे खाने में नहीं रख सकते लाइक अ सैक ऑफ स्प्रोर्ट्स सैक ऑफ स्पोर्ट स्प्रोट कहते हैं छोटे छोटे पौधे जो कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा अगर सफाई ना की जाए ना बहुत देर तक सफाई ना की जाए तो वहाँ पर जो पौधे हो जाते हैं छोटे छोटे उनको स्प्रोर्ट्स कहते हैं तो यहाँ पे वो यही कह रहा है सैक ऑफ स्प्रोट का मतलब ये है कि ऐसी जगह जो कि अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे हैच यही कह रहा है कि मतलब हॉलकट uh, तुम जो हाई क्लास के लोग होते हैं ना उनकी चीज़ें किसी ऐसे खाने के अंदर नहीं रख सकते जो कि बहुत गंदा हो दैट्स द मेकिंग्स ऑफ द गुड ड्रैपर क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि एक अच्छे ड्रैपर की एक अच्छे कपड़ों वाले मतलब दुकानदार की निशानी होती है कि वो मतलब हाई क्लास के जो लोग होते हैं उनकी चीजों को अच्छी जगह पर रखता है फिटनेस इंडस्ट्री एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेमिन टेम्परामेंट यानी यही चीज़ है जो कि एक दुकानदार को अच्छा कपड़ों वाला दुकानदार बनाती है और वो चीज़ कौन सी है कि वो फाइनेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है इंडस्ट्री यानी मेहनती होता है और उसे जो फेमिन यानी औरतें जो होती हैं ना उनके टेम्परामेंट का उनके गुस्से का पता होता है या उनके गुस्से के साथ या उनके लहजे को उनके बिहेवियर को डील करना वो आदमी जानता है दे स्टैम्प ऑन यू बट दे वाइप देयर लिटिल बूट्स फर्स्ट अब यहाँ पे वो औरतों के बारे में कह रहा है कि औरतें जो होती हैं ना जो कि मतलब कपड़ों वाली दुकान के अंदर आती हैं वो कैसी होती हैं कि वो स्टैंप ओन वो हमें मतलब जलील भी करती हैं यानी वो दुकान वालों को जलील भी करती हैं बट दे वाइप देयर लिटिल बूट्स फर्स्ट या लेकिन वो अपने जूते पहले उतार कर आती हैं यानी मतलब यहाँ पे वो एक्जाम्पल दे रहा है कि कपड़ों वाली दुकान के अंदर कई औरतें ऐसी आती हैं जो कि जब दुकान के अंदर आएंगी ना तो मतलब अब ये मैं वर्डली मीनिंग पहले बता रहा हूँ दूसरा मैं दूसरा मीनिंग भी इसका आपको बताता हूँ कि जब वो दुकान के अंदर आती है ना तो वो अपने शूज को बाहर उतार कर आती हैं यानी रिस्पेक्ट शो करती हैं लेकिन जब दुकान के अंदर आएंगी तो दुकानदार को बहुत ज्यादा जलील करेंगी दूसरी सेंस के अंदर भी इसका यही मतलब है कि औरतें जो है ना वो पहली बार देखने पर ऐसे लगती हैं कि ये बहुत अच्छे घराने की हैं या बहुत अच्छी औरतें हैं लेकिन होती वो पूरी चवल हैं स्टैम्पोनियो का मतलब है वो मतलब लड़ाई झगड़ा करती हैं तो हॉलर कट किसी बारे में कहते हैं आई डोंट टचिंग नथिंग मिस्टर हैच यानी मिस्टर हैच मतलब वो उसका अब जवाब दे रहा है इसने कहा ना कि मतलब इस कपड़े को रोल करके ठीक तरह से करो ठीक करो इसको मतलब ये जो मैंने मतलब कपड़े को काटा है तो उसके जवाब में हॉलर कट कह रहा है कि मतलब मिस्टर हैच मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला फॉक्स हैव गॉट देयर डेंडर अप अब डेंडर अब जो है ना इसका मतलब होता है गुस्सा होना वैसे डेंडर का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है जो जानवर होते हैं ना उनके अंदर कुछ बाल होते हैं जो कि जब गिरते हैं ना उनसे एलर्जी होती है यानी कैट्स होगी डॉग्स हो गए या कोई और जानवर जो होते हैं उनके बालों से ना एलर्जी होती है कई बार तो उनको डेंडर कहते हैं तो उसी तरह से यहाँ पे होलोकट जो है ना वो ये यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज कर रहा है कि लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं लोग जो हैं जो हैं हैं। कि दुकान में आते मस्ट फेंड फॉर योर सेल्फ नाउ ये भी अब एक फ्रेज है फेंड का मतलब है यानी किसी की मदद के बगैर काम करना तो यहाँ पे हॉलखट यही कह रहा है कि मैं अब आपकी मदद नहीं करूंगा आपको जो भी काम करना है वो खुद करना होगा तो है मैं कहता है आई स्टार्ट ऑन द अदर रोल यानी तुम ये काम करो तब तक मैं दूसरे जो रोल है ना उसको मतलब तीन यार्ड का कपड़ा उसमें से काटता हूं मतलब उसकी बात को उसने सुना ही नहीं वो अभी भी समझ रहा है कि ये काम करेगा तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम इसको रोल करो मतलब इसको ठीक करो कपड़े को लपेटो तय करो इसको और मैं दूसरे रोल के ऊपर काम करता हूँ बिट ऑफ ईच बिट ऑफ ईच जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि हर रोल का जो है ना उसके मैंने छोटे छोटे पीसिस करने हैं तीन तीन यार्ड के तो फिर कहता है थ्री योड्स यानी हर रोल जो है ना उसके बिट ऑफ

उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती एक आदमी अपने इर्द गिर्द उगती हुई घास को इस इस लाइन का मतलब यही है कि आदमी जो होती है ना वो अपना हर काम बहुत जल्दी करती है इट्स आउट इन द ओपन नाउ यानी अब ये जो मामला है ना एलियन वाला ये अब बाहर आ चुका है ये बहुत से लोगों को पता चल चुका है या ये फिर रिवील होने वाला है पीपल विल रैले अराउंड द ट्रुथ रैले का जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है इकट्ठे होना गैदर होना यानी इसका इस लाइन का मतलब ये है कि लोग जो हैं उनको बहुत जल्द सच पता चल जाएगा या फिर वो बहुत जल्द सच के इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे सी मैंने साइंस एंड वंडर्स इन द डेज टू कम यानी आने वाले दिनों में ना मतलब हेज जो है वो होलोकर से कह रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर ना तुम बहुत सारे साइंस यानी बहुत सारी निशानियाँ और बहुत अजीबोगरीब चीजें देखोगे जो कि तुम्हें साबित कर देंगी कि ये जो एलियन वाली बातें हैं ये अब बाहर आ रही हैं तो हेज गोस ऑन कटिंग तो है जो होता है वो फिर से कपड़ा काटने लग जाता है मिस राफी कम्स जस्ट इनसाइड द डोर तो इतने में मिस राफी जो होती है वो मतलब डोर के पास आती है मतलब शॉप के डोर के पास यानी दुकान के दरवाजे के पास आ जाती है द डर बेल क्लैंग्स यानी जैसे वो एंटर होती है तो दरवाजे की घंटी बजती है हॉलोकट गोज़ बिहाइंड द काउंटर एंड वॉस तो जैसे ही वो हॉलोकट जो होता है वो मिस राफी को देखता है तो वो काउंटर के पीछे चला जाता है दुकान के काउंटर के पीछे चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखने लग जाता है कि अब क्या होगा तो मिस राफी की लाइन है वो कहती है हैच I'll report this morning's outrage to the constable and the town doctor. तो तुम्हें राफ यहाँ पे कहती है कि हैच आज सुबह जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया है ना जो गुस्सा दिखाया है जो मतलब बकवास की है वो सारी जो है ना वो मैं मतलब हमारे टाउन का जो डॉक्टर है उसको भी बताऊंगी और कॉन्स्टेबल को भी बताऊंगी। डॉक्टर को क्यों बताऊंगी कि मतलब वो समझती है कि शायद हैज जो है वो पागल है तो मैं डॉक्टर को बताऊंगी और इसका इलाज होगा कॉन्स्टेबल को इसलिए बताऊँगी कि मैं पुलिस को बता सकूँ कि हमारे यहाँ पर एक पागल रहता है इसको पकड़ के ले जाए आई शल सर्टनली सी दैट नो वन अंडर माई इन्फ्लुएंस एवर यूज एनी शॉप ऑफ योर्स अगेन अच्छा अंडर माई इंफ्लुएंस का मतलब है कि मेरा कोई भी दोस्त या मेरा जानने वाला यानी इराफा यहाँ पे उसको धमकी दे रही है कि मैं इस चीज को यकीनी बनाऊंगी के कोई भी मेरा दोस्त जो है या फिर मेरा जाने वाला जो है वो कभी भी तुम्हारी दुकान से किसी भी दुकान से कोई भी चीज़ ना ख़रीदे मिसेस टाइल हाउस पेयर्स इन द डोरवे बिहाइंड मिसेस राफे। तो इतने में मिसेस टाइल हाउस जो होती है वो भी मिसेस राफे के पीछे पीछे आ जाती है अंटिल शी कम्स इन टू द शॉप लेटर ऑन द डोबेल मेक्स आइसोलेटेड स्पेसमोडिक क्लैंगस अभी वो मतलब दुकान में इंटर भी नहीं होती तो जो मतलब जो डोरबेल होती है जो घंटी होती है को मतलब वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो घंटी होती है वो बजना शुरू हो जाती है तो हैज की लाइन है वो कहता है कम इन मिसेस राफे यानी मिसेस राफे अंदर आ जाए योर ऑर्डर इज बिंग अटेंडेड टू यानी आपका जो ऑर्डर है ना उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ

द कटिंग नियरली डन यानी इजाफे आप टेंशन ना लें आपके कपड़े जो हैं वो बस कट ही चुके हैं यू सी आई कट इट ऑल माई सेल्फ यानी आप देख सकती हैं कि इस सारे कपड़े को मैंने खुद काटा है यू हैव टू नो क्लोथ और इस काम के लिए जरूरी होता है कि आप कपड़े को पहले अच्छी तरह जानते हो यहाँ पे वो अपनी तारीफ कर रहा है फिर कहता है देर इज एन आर्ट टू दिस यानी ये जो कपड़े काटने वाला काम है ना ये जो मतलब सिर्फ कपड़े को काटना है इसमें भी एक हुनर है दैट्स वाई आई डोंट हायर एन असिस्टेंट इसीलिए कि मैं मैं ना मतलब कोई असिस्टेंट जो है मतलब अपना जो असिस्टेंस है कोई काम करने वाला लड़का जो है उसको मैं हायर नहीं करता क्योंकि ये बहुत मतलब एहतियात वाला काम है इसलिए मैं खुद ही करता हूँ और किसी लड़के को मैं हायर नहीं करता दे नेवर स्टॉप लॉन्ग इनफ टू लर्न द ट्रेड यानी वो ना जब मैं अगर किसी लड़के को हायर भी करूँ ना तो उनको ये वाला काम सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर वो ये काम सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं ओ ओ इट्स नॉट दैट आई कांट अफोर्ड वन फिर आज कहता है कि मैं ये बात कि मैं किसी असिस्टेंट को हायर नहीं करता ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी असिस्टेंट को हायर नहीं कर सकता यानी मैं इतना गरीब हूँ कि मैं कोई मतलब काम करने वाला लड़का जो है वो अपनी दुकान पर नहीं रख सकता मैं ये इसलिए नहीं कह रहा लुक एट द एज फिर वो उस कपड़े को दिखाता है कि मतलब मिसिज राफे इस कपड़े के किनारे को देखें आई कुड हैव टेन असिस्टेंट्स यानी मेरी इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपने मतलब दुकान के अंदर दस दस मुलाजिम रख सकता हूँ ओपन डिपार्टमेंट्स उसके अलावा मैं बहुत सारे अपने जो इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं वो खोल सकता हूँ डैशरीज डेस्टरीज डैशरीज मैंने पहले भी ये वर्ड आया था मैंने तब भी आपको बताया था सीन वन के अंदर कि ये कपड़ों से रिलेटेड जो सामान होता है मतलब नलकियाँ बटन वगैरह इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि मैं एक ऐसी दुकान खोलूँगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी राइडिंग हैबिट्स राइडिंग हैबिट्स का मतलब है कि घोड़सवारी सवारी करते वक्त या किसी और जानवर की सवारी करते वक्त जो कपड़े पहने जाते हैं ना वो वाले कपड़े मैं तैयार करूंगा लिवरीज कहते हैं एक खास टाइप का यूनिफॉर्म होता है जो कि सर्वेंट्स जो होते हैं मुलाजिम जो होते हैं नौकर होते हैं वो पहनते हैं यानी वो वाला जो यूनिफॉर्म है वो भी मैं बना सकता हूं यानी उसकी भी एक दुकान बना सकता हूं अस्पॉटिंग काउंटर स्पोर्टिंग काउंटर का मतलब है मैं एक ऐसा काउंटर भी बना सकता हूँ जहाँ पर सारा स्पोर्ट्स का सामान पड़ा हुआ होगा यानी यहाँ पे वो बता रहा है मिस राफे को कि मैं मतलब इत, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक सर्वेंट इसलिए नहीं रखता कि मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है मैं तो दस दस मुलाजिम रख सकता हूँ उसके अलावा मैं डिपार्टमेंट भी खोल सकता हूँ हाइब्रिड एसरीज़ की दुकान है वो भी खोल सकता हूँ घोड़े मतलब वगैरह चलाने के लिए जो यूनिफॉर्म यूज़ किया जाता है वो यूनिफॉर्म मतलब जो है बेचने के लिए वो दुकान भी खोल सकता हूँ उसके अलावा जो मतलब मुलाजिम होते हैं उनका

यानी ये जो काम है ना ये इतना मुश्किल है कि इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है थ्री योर फिर उसको याद करवाता है कि हाँ तीन योर जो कपड़ा है ना जो मैंने काटा है ऑलवेज मूव व्हाई फिर वो अपनी उसी बात पर आ गया अच्छा अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको समझने में आपको मुश्किल हो रही होगी वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हैच है ना वो कपड़े की बात को और अपने सर्वेंट्स की बात को एक साथ लेके चल रहा है यानी अभी उसने कहा थ्री योरस यानी ये जो कपड़ा है ये मैंने तीन ओर काटा है और फिर से अपने सर्वेंट की बात पे आ गया कि ऑलवेज मूव यानी मेरे पास ना कोई ज़्यादा देर नहीं टिकता वह फिर खुद ही खुद से क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है कि मेरे पास कोई ज़्यादा देर नहीं टिकता डोंट टेक टू मी यानी क्या उनको मैं अच्छा नहीं लगता एम आई सो हार्ड टू क्या मैं उनके साथ इतना मतलब हार्ड होता हूँ इतना मेरा उनके साथ बिहेवियर रूड होता है कि वो मेरे पास ज्यादा देर नहीं रुकते दे मस्ट बी ऑफ यानी वो जितने जितने भी मुलाजिम मेरे पास आते हैं ना उनको एक ना एक बार जाना जरूर होता है मतलब वो हमेशा मेरे से चले जाते हैं मेरे पास नहीं रहते वट डू दे एवर सी यानी वो मेरे पास आकर क्या देखते हैं वट आर दे लुकिंग फार या फिर वो मेरे पास जब आते हैं तो वो क्या ढूंढते हुए आते हैं या किस काम की तलाश में वो आते हैं वट दे एवर फाइंड और मेरे पास आकर वो उनको क्या मिलता है यहाँ पे उसने तीन सवाल पूछ लिए कि जब कोई मुलाजिम मेरे पास आता है तो वो यहाँ पर आकर मेरे पास आकर सबसे पहले क्या देखता है मतलब उसके अलावा जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो क्या सोच कर आए होते हैं और तीसरा सवाल ये है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या मिलता है द ट्रेड इज अ रिस्पेक्टेबल ओकेशन यानी ये जो ट्रेड का जो काम है ना ये जो मतलब तजारत वाला काम जो है ये एक रिस्पेक्टेबल यानी ये एक काबिल इज्जत काम है वोकेशन का मतलब है प्रोफेशन यानी एक काबिल इज्जत पेशा है काम है जेंटरी हैव नॉट बीन अब यानी जो हाई क्लास के लोग हैं ना वो भी इस प्रोफेशन से ऊपर नहीं है यानी ये जो प्रोफेशन है ये जो कपड़े बेचने वाला काम है ये अपर क्लास के लोगों के बराबर है यानी अपर क्लास के लोग हैं वो भी इससे ऊपर नहीं है और ये कहकर वो फिर से बेचारा रोने लग जाता है और कहता है आई वॉक माई लाइफ अवे ऑन दिस फ्लोर यानी इस फर्श के ऊपर इस जमीन के ऊपर इस मतलब मेरी उस दुकान के फर्श के ऊपर ना मैंने चलते चलते अपनी सारी जिंदगी जो है वो गुजार दी है अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे

थर्टी ईयर्स यानी मैंने पूरे तीस साल इस काम में गुजार दिए हैं आई एम वॉन थ्रू यानी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो ये कहते हुए वो मतलब कपड़ा फिर से काटने लग जाता है और आंसू बहाने लग जाता है तो मिस लाइन लाने कहती है मिस्टर हैच यू आर हैकिंग इट टू पीसीस यानी मिस्टर हैच हैकिंग का मतलब काटना यानी मिस्टर हैच आप तो इस कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं नो वन कैन टेक द मटीरियल नाउ अब आपसे ये वाला कपड़ा जो है ये कोई भी नहीं लेगा मिस्टर टैल कहती है Holocaust, उस जो है ना अब चुपके से तो हॉलरकट जो होता है वो कहता है आई डोंट टच हिम मैं इसको नहीं पकड़ने वाला ही डक्स डाउन आउट ऑफ द साइड बिहाइंड काउंटर ये कहकर ना वो बत्तख की तरह यानी नीचे हो जाता है काउंटर के नीचे हो जाता है छुप जाता है तो हैज की लाइन है स्माइलिंग एंड कटिंग यानी वो मुस्कुरा भी रहा होता है और कपड़ा भी काट रहा होता है वह कहता है कहता दीज आर पार्ट ऑफ हैंड यानी इराफे से कह रहा है कि Raffay, ये जो कैंची है ना जिससे मैं कपड़ा काट रहा हूँ ये अब मेरे हाथ का एक हिस्सा बन चुकी है वॉच हाउ द क्लॉथ लीड्स दैम बस आप ये देखें कि ये कैंची जो है जिससे मैं कपड़ा काट रहा हूँ ये किस तरह से कपड़ों को लीड कर रही है यानी कितनी सफाई के साथ ये कपड़ा काट रही है दैट्स द गेस्टर ऑफ माई सोल मिसे होल वे डिवेलप किया हुआ है या फिर ये एक ऐसा काम है जो के करते हुए मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है यानी मेरी पूरी जिंदगी जो है वो इसके अंदर गुजरी है इसलिए मैं इस काम में इस बहुत ज्यादा माहिर हूँ तो मिस्टर कहती है मिस्टर हैच लिसन टू योर फ्रेंड्स यानी अपने जो आपके जो दोस्त है ना आप उनकी बात सुने यू मेक इट हार्ड फॉर मी टू हेल्प यू यानी आप जो है ना आप अब मेरे लिए मुश्किल कर रहे हैं कि मैं आपकी मदद करूं। यानी आपकी मदद करने के रास्ते में ना आप मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं तो हैज कहता है There, Mrs. मतलब ये ले, आपका जो मतलब कपड़ा था वो मैंने काट दिया सारा सम लेंथ टू बी गेटिंग ऑन विद अब इस लाइन का मतलब है कि मतलब कुछ जो कपड़ा है ना वो इस तरह से कटा है कि वो शायद मतलब ठीक तरह से नहीं कटा लेकिन आप फिर भी उसके साथ गुजारा कर सकती हैं इस लाइन का ये मतलब है

मिसेस हाँ जो है ना वो राफे से कहती है कि मिसेस आप हैज को परेशान ना करें मतलब यहाँ पे वो डर के मारे कह रही है कि मतलब इसे परेशान ना करो या इसे गुस्सा ना दिलाओ तो हैज जो होता है कनिंगली यानी वो थोड़ा सा ना चलाकी के साथ या थोड़ा सा अपने चेहरे के ऊपर ना चलाक लोगों की तरह एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहता है बट इट मस्ट बी टेकन अच्छा आप नहीं लेंगी ये कपड़ा लेकिन अब आप तो आपको लेना पड़ेगा यू सी आप देख सकती हैं इट्स कट कट ये cut चुका है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट यानी जिस तरह से कट कस्टमर ने रिक्वायर रिक्वायरमेंट दी थी जिस तरह से कस्टमर ने कहा था ये वैसे कट चुका है कपड़ा इट्स इन पीसिस ये अब टुकड़ों में है मिसेज आप कहती है नो no, मैं नहीं लूंगी तो मिसेस टाइल हाउस कहती है फुलिशनेस टू द लाइन बेट का मतलब होता है चारा डालना अनचेन लाइन यानी एक ऐसा शेर जिसको बांधा नहीं गया जो कि खुला बैठा हुआ है मतलब उसको बांधा नहीं हुआ तो यहां पे मिसेज हाउस जो है ना वो कह रही है कि ये बहुत बेवकूफी होगी कि तुम एक ऐसा शेर जिसको चेन से बांधा भी नहीं हुआ उसके सामने चारा डालो मतलब सीधा मतलब ये है कि एक आदमी जो है जो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है तुम उसकी बातों का जवाब मतलब ना में दे रही हो जो कि उसे पसंद नहीं है तो ये बहुत पागलों वाली बात है राफे टर्न्स टू गो अब मिसिज राफे जो है वो फिर से जाने लगती है तो हैज स्टॉप सर कटिंग ऑफ हर पाथ हैज जो होता है वो फिर से उसे रोक लेता है उसका रास्ता रोक लेता है तो हैज कहता है आर यू पेइंग नाउ क्या अब आप मतलब पैसे देंगी या नहीं तो फिर वो कहता है पे द बिल एंड टाइडी इट अवे यानी आप ये जो आपका बिल है मतलब पैसे जो है वो दें एंड टाइडी इट अवे अब ये जो टाइडी इट अवे है ना ये भी एक फ्रेज है अब लड़कियां जो है ना वो इस चीज़ को ज़्यादा समझेंगी क्योंकि वो इसके साथ रिलेट कर पाएंगी यानी जो लड़कियां या जो लोग सिलाई करते हैं ना तो सिलाई के दौरान जब कोई आपको कपड़ा देखे जाता है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वो सारा कपड़ा ही लग जाता है उसमें से कुछ बचता भी है टाँकियाँ वगैरह जो होती हैं वो बच जाती हैं छोटे छोटे पीसीस जो होते हैं वो बच जाते हैं तो उन पीसीस को साफ करना उनको भी साथ इकट्ठा कर लेना उस कपड़े के साथ उसको कहते हैं टाइडी इट मतलब यहाँ पे हैच ये कह रहा है कि राफ़े आप सीधा सीधा बिल जो है वो पे करें और जो कपड़ा वगैरह आपका बचा हुआ है जो भी आपका सामान है मतलब ऑर्डर के साथ जो भी छोटा मोटा सामान था वो भी यहाँ से ले और रफा दफा करें अफकोर्स यानी यकीनन डोंट लेट दिस थिंग्स हैंग ओवर यू यानी ऐसा ना हो कि ये चीजें जो है बाद में आपको परेशान करें यानी ये बात आपको बाद में परेशान करे कि आपने किसी के पैसे देने हैं या आपके ऊपर किसी का उधार है जो कि आपने देना है इन चीजों को आपको परेशान करने ना दें इसलिए अभी अभी मतलब बिल वगैरह दें और साथ वाली चीजें लेकर इस मामले को यहीं पर रफा दफा करें तो इसी इजाफे कहती है हॉलकट को बुलाती है मिस इजाफे होलकट लुक्स ओवर द टॉप ऑफ द काउंटर तो होलकट जो होता है ना वो काउंटर के नीचे होता है तो वो आहिस्ता से ऊपर होता है ऊपर देखता है हॉलकट की लाइन है वो कहता है डोंट एंटागोनाइज हिम मिसेज अब होलोकट भी बेचारा कह रहा है कि इसको गुस्सा ना दिलाएं. एंटागोनाइज जो वर्ड है ना ये एंटागोनिस्ट से निकला है जैसे एक प्ले होता है ना उसके अंदर दो कैरेक्टर होते हैं एक प्रोटागोनिस्ट एक एंटागोनिस्ट प्रोटागोनिस्ट हीरोनाइज का मतलब ये है दुश्मन बनाना यानी होलोकट कह रहा है कि आप इसको यानी मिसेज आप इसको दुश्मन ना बनाए ही गोस डाउन आउट ऑफ सा और ये कहकर वो फिर से काउंटर से नीचे हो जाता है यानी उनको नजर नहीं आता फिर से नीचे हो जाता हैच होल्ड वन एंड

इनकी मतलब कंपनी से इनके यहाँ पर होने से डरती हैं आई अंडरस्टैंड ऑल दैट मैं ये चीजें समझ सकता हूँ डोंट लुक अवे मैम मतलब मैम आप इधर उधर ना देखें ईच वन हैज हिज फेलिंग्स फेलिंग्स यानी कमजोरियां यानी हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है आई नेवर पुट अ लेडी टू शेम मैं कभी भी एक लेडी जो है एक औरत जो होती है उसको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता लेटमी ये काम आप मुझे करने पैसे देने हैं nice जो काम है आपके पर्स से पैसे निकालने का आपके बैग से पैसे निकालने का ये मैं बहुत अच्छे तरीके के साथ और साफ सफाई के साथ करूंगा विद मनी यानी एक औरत जो है जिस तरह से आप एक हाई स्टेटस की औरत है तो आप तरह की औरत जो है उसको पैसों के साथ कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए यानी उसको पैसे जो है ना वो छुपा छुपा के नहीं रखने चाहिए तो आपके लिए ये पैसे जो है वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं होने चाहिए तो राफिक कहती है टेक इट अच्छा यही चाहिए ना तुम्हें तो ले लो ये कहकर वो उसको मतलब वो बैग पकड़ाने की कोशिश करती है शी हिम हर बैग एंड टर्न्स अवे तो वो उसे अपना बैग देती है और मुड़ जाती है और वीकली यानी थोड़ा सा आराम के साथ थोड़े सा मतलब ऐसे उसे लगता है जैसे ना वो थोड़ा सा वीक फील कर रही है और कहती है माई लेग्स यानी अब वो क्योंकि वो मतलब स्ट्रगल कर रही है ना उसके साथ बैग आगे पीछे करने में तो उसी दौरान ना उसकी लेग जो होती है टांगे जो होती है उनमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसे फील होता है कि शायद उसे मतलब धक्का लगा है मतलब हैच की तरफ से तो वो कहती है माई लेग्स यानी मेरी टांगे टाइल हाउस इन द रूम तो टाइल हाउस जो होती है वो उस रूम के अंदर यानी उसकी दुकान के अंदर हैच की दुकान के अंदर इधर उधर भाग रही होती है द डोर बेल क्लैंग स्टॉप्स तो दरवाजे की घंटी जो होती है वो एक बार बजती है और फिर से रुक जाती है तो मिसिस टायल हाउस की लाइन है वो कहती है लुइस ग यानी लुइस तुमने अपना बैग उसे दे दिया तो मिस कहती है नॉनसेंस यानी ए बेवकूफ टाइल हाउस फार थिंग्स यानी ये तो बहुत मामूली सी बात है यानी उस बैग के अंदर बहुत मामूली सिक्के हैं या बहुत मामूली रकम है मुझे उसकी टेंशन नहीं है शाउट इन द स्ट्रीट यानी तुम बस इतना करो कि गली में जाकर चिल्लाओ मिस्टर हैच हैज मेड मी अ प्रिजनर यानी तुम गली में जाकर चिल्लाओ कि मिस्टर हैच जो है उसने मुझे कैदी बना लिया है यानी वो मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहा मिसेस टायल हाउस कोलेप्सिस इन अ चेयर मिसेस टाइल हाउस जो होती है वो एक चेयर के ऊपर गिर जाती है हैच इज स्ट्रगलिंग विद मिसेस हैच जो होता है वो अब भी मिसेस राफे के साथ झगड़ा कर रहा होता है मतलब उसके साथ छीना झपटी कर रहा होता है हॉलोकट लुक्स अप फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर होलोकट जो होता है वो काउंटर से थोड़ा सा ऊपर होकर ये सीन देख रहा होता है यस yes, वो चिल्लाता है एंड रनज आउट और वो वो भी दुकान से बाहर चला जाता है द डोरबेल क्लैंग फिर से दरवाजे की घंटी बजती है तो हैच जो होता है जब वो देखता है मतलब उस बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं है मतलब थोड़े से पैसे हैं तो वो अब गुस्से में आ गया वो कहता है फॉर थिंग्स फॉर थिंग्स यानी इतने मामूली पैसे इतने थोड़े से पैसे ऑल दैट मनी अंडर योर बेड एंड यू वॉन्ट पे योर डेट्स अब ये जो है ना ऑल दैट मनी अंडर योर बेड ये भी एक क्लासिकल टाइम की ना एक फ्रेज है जो कि यूज की जाती है उस आदमी के लिए जो कि कंजूस होता है यहाँ पे जो है ना वो मिस राफी से कह रहा है कि आपके सारे पैसे जो हैं वो आपके बेड के नीचे हैं और आप फिर भी अपने कर्जे जो है वो नहीं मतलब पे करना चाह रही मतलब आपके सारे पैसे जो हैं वो आपके बेड के नीचे हैं यानी आपके पास सारे पैसे हैं लेकिन आप फिर भी लोगों को उनके पैसे नहीं दे रही तो मिस राफी कहती है मिस्टर हैच रिमेंबर हु वी आर यानी मिस्टर हैच याद करने की कोशिश करें हम कौन है यानी आप हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखा सकते तो है जो होता है वो कहता है मिस्टर कार्सन कीप्स योर मनी नाउ तो वो कहता है कि हाँ अच्छा अब मुझे समझ आई कि मिस्टर कार्सन यानी विली जो है वो आपके पैसों के साथ डील करता है यानी आपके सारे पैसे जो हैं वो उसके पास हैं यू आर ऑल लायर्स यानी तुम सब झूठे हो पहले वो विली को झूठा कह रहा था अब वो मिसिज टायल हाउस और ड्राफे uh, को भी झूठा कह रहा है कि तुम सब झूठे हो स्विंडलर स्विंडलर का मतलब भी फ्रॉड्स झूठे या, या लुटेरे फ्रॉड्स यानी कमीने हो मतलब झूठे हो बैंक यानी तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है ही हिट्स विद द विदर्स और वो कैंची के साथ में मिस्टर राफे को मारता है शी इज कट तो मिस्टर राफे को एक कट लग जाता है दे स्टैंड इन साइलेंस फॉर हाफ अ सेकंड तो वो आधे सेकंड के लिए ना वो साइलेंस में खड़े रहते हैं सब लोग तो मिस्टर राफे कहती है हैच यू आर अ फूल यानी हैच तुम एक बेवकूफ हो तो कार्टर कम्स इन तो इतने में कार्टर जो होता है वो दुकान के अंदर आता है द डोर बेल क्लैंक्स तो घंटी जो होती है वो फिर से बजती है तो हैच गोस बिहाइंड द काउंटर है जो होता है वो अब भाग के जब वो घंटी मतलब बजते हुए देखता है तो वो भाग के काउंटर के पीछे छुप जाता है तो मैं सिर्फी कहती है

she tried to grab my shears jack यानी अब वो कार्टर से कह रहा है कि जैक ये जो मिसेस राफे है ना इसने मुझसे मेरी ये जो कैंची है ये छीनने की कोशिश की शी मस्ट बी अ लेडी बर्ग्लर बर्ग्लर क्या होता है बर्ग्लर कहते हैं एक ऐसा चोर जो कि किसी बिल्डिंग में चोरी करने के इरादे से दाखिल होता है तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेडी यानी ये जो मिसेस राफे है ये एक चोर है जो कि चोरी करने आई थी यहाँ पर शी इंटरफेयर विद वर्क ऑन द प्रेमिस यहाँ पे प्रेमिस का मतलब है शॉप यानी मिस राफे जो है इसने मुझे यहाँ पर मेरी दुकान के अंदर काम करते हुए मेरे मेरे साथ इंटरफेयर किया है यानी मुझे डिस्टर्ब किया है यू नो दे कम इन हेयर एंड विस्पर ऑस् फॉर इंटीमेट गार्मेंट्स अब यहाँ पे वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कार्टर को कि कार्टर तुम तो जानते हो इस तरह की औरतों को कि ये क्या करती हैं कि ये हमारी दुकान के अंदर आती हैं और हल्का सा हमारे कानों के अंदर फुस फुसा कर कहती हैं आज फॉर इंटीमेट गारमेंट्स अब intimate का जो वर्ड होता है ना इसका मतलब वैसे होता है क्लोज फ्रेंड्स यानी दोस्त को कहते हैं intimate लेकिन यहाँ पे intimate garments का मतलब है अंडरवेयर की यहाँ पे बात कर रहा है कि जो मतलब लेडीज़ के जो अंडरवेयर्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा है कि मतलब अब वो उसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि काटर तुम तो जानते हो कि इस तरह की जो औरतें होती हैं वो मतलब हमारी दुकान में आती हैं और फुस फुसा कर कहती हैं कि मतलब हमें अंडर गारमेंट्स दिखाओ अब यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिव बात होने लगी है थोड़ा सा ध्यान से सुनना फिर कहता है कुड आई ट्राई दिस मतलब तो मतलब 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 मामले में देन दे आर ऑफ टू दिटिंग रूम बिफोर यू कैन स्टॉप देता है की इससे पहले कि तुम उन्हें रोक सको उन्हें जो भी अंडर गर्मेंट पसंद होता है वो लेकर वो मतलब फिटिंग uh, रूम जो होता है उसकी तरफ चली जाती हैं एंड लीव कर्टन ओपन और उस रूम की तरफ चली भी जाती हैं और जाकर दरवाजा भी नहीं बंद करती मतलब पर्दे भी आगे नहीं करती बल्कि पर्दे भी खुले रखती हैं ऑल द इंटीमेट थिंग्स तो वहां पर तुम जो भी हो ना मतलब जितने भी मतलब उसके जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं उन सबको तुम देख सकते हो रिगलिंग इन टू दिस एंड दैट रिगलिंग का मतलब होता है बल खाना यानी स्प्रिंग की तरह आगे पीछे होना ऊपर नीचे होना तो यहाँ पे वो ये कहता है कि मतलब जिस तरह जितने भी वो चेंज करेगी ना मतलब गार्मेंट्स उनको तुम देख सकते हो वहां पर और और फिर फिर वो वो कहती है इज इट टू टाइट मिस्टर हैच बाद में वो, मतलब मेरा ओपिनियन भी मांगती है कि मतलब क्या ये ज़्यादा टाइट तो नहीं है मिस्टर हैच इज दिस गजट इन ऑर्डर इन ऑर्डर का मतलब है कि यानी क्या ये ठीक है क्या मुझे मतलब मुझे ये फिट है अब गजट क्या होता है गजट आप इसको सर्च कर लेना ये आपको मिल जाएगा गजट मतलब ये एक पार्ट होता है एक एक टाइप ऑफ पार्ट होता है इसको आप सर्च कर लेना तो कार्टर जो होता है ना उसके जवाब में कहता है दैट्स इनफ दैट हैच हैच मतलब बहुत हो गया यू योर नॉइस एंड कम विद मी अच्छा ये जो का वर्ड है ना इसका मतलब है होल्ड यानी अब तुम अपनी आवाज बंद करो या नीचे करो और चलो मेरे साथ लाइक अ गुड मैन एक अच्छे आदमी की तरह मेरे साथ चलो ही गोज कैशुअसली टू वर्ड हैच तो ये कहकर ना वो हैच के पास ना बड़े ध्यान के साथ जाता है हैच डॉस अराउंड हिम यानी हैच जो होता है वो उसे रोक देता है एंड स्टार्ट आउट ऑफ द शॉप और वो खुद ही शॉप से बाहर जाना शुरू कर देता है एज ई गोस जैसे ही वो शॉप से बाहर जाता है ही पॉइंट्स टू मिसिज टाइल हाउस तो वो मिसिज टाइल हाउस को देखते हुए कहता है शी इज सिटिंग अनकॉन्शियस इन अ चेयर यानी मिसिज टाइल हाउस जो होती है जो कि अपने ही ख्यालों के अंदर चेयर के ऊपर बैठी हुई होती है जो कि अभी भी मतलब अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही होती है कि ये हुआ क्या है उसकी तरफ इशारा करते हुए ना हैच कहता है लाइन है वो जाते हुए कह रहा है वॉस्ट the यानी आज जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ है लीव दर्ट इन ओपन एंड टर्न द मिरर ब्रेजन सो यू सी द डार्कनेस अंडरनीथ अब हैज जो है ना, ये ना यहाँ से जाते जाते ना राफी और मिस टाइल हाउस को एक सजेशन दे रहा है कि तुम क्या करना कि ये जो पर्दे हैं ना इनको खोल देना और जो मिरर है इसको भी ब्रेज़न ब्रेज़न कहते हैं बोल्ड यानी यहाँ पे ब्रेजन का मतलब है नेक्ड यानी खुला यानी शीशे के ऊपर कोई भी पर्दा वगैरह ना डालना यानी पर्दे जो हैं वैसे जो हैं मतलब पर्दे हैं हमारी दुकान के अंदर उनको भी खोल देना ताकि लाइट आ जाए और जो फिटिंग रूम के अंदर शीशा है उसके ऊपर भी कोई कपड़ा ना डालना ताकि क्या हो कि तुम्हारे अंदर की जो बुराई है जो अंधेरा है तुम्हारे अंदर जो मतलब तारीखी है वो तुम्हें नजर आ सके मतलब एक ताना मार के गया है उनको एक तरह से तो ही गोज आउट ये कहकर वो बाहर चला जाता है द डोर बेल क्लैंगस तो घंटी बजती है मिस इराफे टेक्स अ पीस ऑफ मटीरियल फ्रॉम द डिस्प्ले डमी ऑन द काउंटर तो मिस इराफे जो होती है ना उसके जाने के बाद ना वहाँ पर एक डमी जो लगा हुआ होता है जिसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह होता है उसको वहाँ से वो उठाती है और रैप्स इट अराउंड हर रिस्ट और अपनी कलाई के ऊपर बांधने की कोशिश करती है वाइल्ड और साथ साथ वो बोल भी रही होती है शी इज फ्राइटन एंड एंग्री वो डरी भी हुई होती है और थोड़ी सी गुस्से में भी होती है मिस इजाफी कहती है आई डोंट नो यू हैव अप टू अमंगस्ट यानी कहती है कि मुझे समझ नहीं आती तुम लोग मतलब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है हैव यू नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक ओपिनियन क्या तुम्हें बिल्कुल भी मतलब अपने कस्टमर की राय जो है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो काटर कहता है यस yes, मैम मतलब मैम हमें बिल्कुल परवाह है तो मेंसा राफी कहती है विल योर वाइज एंड चिल्ड्रन होल्ड देयर हेड्स अप फॉर इयर्स मतलब ये जो काम तुम लोगों ने किया है या जो तुम काम करते हो क्या इसकी वजह से तुम्हारी जो मतलब बीवियां हैं और तुम्हारे बच्चे जो हैं वो सर उठाकर सालों तक मतलब चल सकेंगे नहीं एंड योर स्पीरियर्स दे विल सर्टेनली बी पेनड बाय दीस एक्सेससेस और तुम्हारे जो स्पीरियर्स हैं जो तुम्हारे बड़े लोग हैं वो भी इस एक्सेस की वजह से जो कि तुमने आज बदतमीजी की है एक्सेस यानी आज जो तुमने बदतमीजी की है जो काम तुमने किया है इसकी वजह से तुम्हारे बड़े जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी तो कॉर्डर के लाइन में कहता है यस मैम हाँ मैम मैं समझ सकता हूँ प्लीज डोंट गो ऑन मैम मतलब मैम आप प्लीज़ यहाँ से ना जाएँ तो मिश्र इराफे कहती है फिंगर ऑन दिस नोट यानी ये जो गांठ है ना ये जो मतलब इस कपड़े की गांठ है इसके ऊपर उंगली रखो तो काटर होल्ड द नोट तो काटर जो होता है वो उस गांठ के ऊपर उंगली रख लेता है वॉल मिसाफे फास्ट द मटीरियल ऑन हर वेस्ट तो तब तक होती है वो उस मटेरियल को अपनी कलाई के ऊपर बांधने की कोशिश करती है और कहती है यू हैव द टाउन इन टू स्कैंडल प्लंज यानी फेंक देना स्कैंडल यानी बदनामी यानी तुम लोगों ने हमारे टाउन को बदनाम करके रख दिया है वट विल दे से इन फॉर ब्रिज यानी फोरबीच जो जगह है जहां पर मेरा घर है और जहां पर मेरे मतलब नेबर्स हैं

इफ़ ही इज एज कॉन्स्टिट्यज द रेस्ट ऑफ द टाउन यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेहनती यानी काम करने वाला यानी अगर ये हमारे टाउन के जो दूसरे लोग हैं जो कि इतने मेहनती हैं उनकी तरह ये मेहनती हुआ ना तो इसका मतलब ये है कि अभी मतलब आधा दिन हुआ है तो इसका मतलब यही है कि वो अभी भी अपने बिस्तर में लेटा हुआ होगा यहाँ पर भी एक आयरनी है मतलब वो यहाँ पे कहना ये चाह रही है कि हमारे टाउन के लोग जिस तरह जितने वेले हैं ना अगर ये भी उनकी तरह वेला हुआ ना तो ये भी अभी तक बिस्तर में ही लेटा हुआ होगा तो फिर कहती है I hardly know if I dare approach a representative of the law. यानी मैं ना ये चीज़ यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी कानून के सही रखवाले के साथ मिलूंगी यानी मेरी मुलाकात जो है ना वो थाने के अंदर जाकर किसी अच्छे या ईमानदार ऑफिसर के साथ होगी ये चीज़ कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए इन द स्टेट ऑफ एन यानी इस अफरा तफरी के आलम के अंदर एन का मतलब है डिसऑर्डर यानी ये जो अफरा तफरी फैली हुई है डिसऑर्डर फैला हुआ है ना वन माइट फाइंड वन सेल्फ इन तो इसमें मतलब एक बंदा जो है वो उसको डर ही लगा रहेगा कि कहीं वो बेचारा जो है वो भी जेल के अंदर ना चला जाए यानी यहाँ या पे वो ये कहना चाह रही है कि हमारे टाउन की जो हालत है ना जो अफरा तफरी मची हुई है हमारे टाउन के अंदर तो हालात ऐसे हैं कि मतलब एक शरीफ बंदा जो है ना वो भी पुलिस के पास जाने से डरेगा क्योंकि उसे भी डर होगा कि कहीं पुलिस जो है वो उसको अंदर ना कर दे सी टू माई कंपेनियन फिर कहती है मेरा मेरी जो दोस्त है ना तुम उसका ध्यान रखना एन सेंट्री अ स्लीप एट हर पोस्ट क्योंकि मतलब उसको भी अब मजाक उड़ा रही है कि ये जो ये जो है ना सेंट्री रिसेंटली कहते हैं वॉचमैन यानी निगरान यानी ये भी एक ऐसे निगरान की तरह है जो कि अपनी ही पोस्ट के ऊपर सो रहा है यानी अपनी ड्यूटी करते हुए सो रहा है ये भी एक ऐसे निगरान की तरह है मेरी दोस्त यानी मिसिस टायल हाउस के बारे में बात कर रही है शी गोज आउट ये कहकर वो वहां से चली जाती है डोर बेल क्लैंगस तो दरवाजे की घंटी बजती है कार्टर गोज क्वार्टी टू मिसिस टायल हाउस कार्टर जो होता है वो आहिस्ता से मिसिस टायल हाउस के पास जाता है कार्टर कहता है मिसिस टायल हाउस मैम तो उसको जगाने की कोशिश कर रहा है तो मिस टाइल हाउस आगे से कहती है जंपिंग टू हर फीट यानी वो अचानक मतलब जंप मार के अपने पैरों पर खड़ी होती है और कहती है हेल्प बचाओ आई एम अबाउट टू बी अटैक बाई अ लार्ज मैन यानी अभी अभी एक बड़ा सारा आदमी जो है वो मेरे ऊपर हमला करने वाला था तो काटर जो होता है ना वो कहता है मिसिज राफे टोल्ड मी टू से यानी उसे अभी बात भी नहीं पूरा करने दी और मिसिज टाइल्हा आगे से बोलेगी तो काटर कहता है मिसिज राफे ने अभी भी मुझे कहा है हाउस कहती है लुइस इज डेड मतलब क्या लुइस जो है यानी जो है वो मर चुकी है वट वर हर लास्ट वर्ड्स उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे शी अपोलोजाइज टू मी फॉर इट ऑल क्या उसने मेरे से इन सब चीज़ों की मतलब माफ़ी मांगी आई फोगेव हर मैंने उसे माफ कर दिया आई होल्ड नो ग्रज however जस्टिफाइड यानी मैं किसी के लिए भी अपने दिल के अंदर कोई दुश्मनी नहीं रखती हावर जस्टिफाइड लेकिन चीज फिर भी जायज है लेकिन यानी मैं ये रख सकती हूं यानी अपने दिल के अंदर किसी किसी के लिए भी दुश्मनी रख सकती हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं रखती तो कार्टर में no, no, नहीं, नहीं. तो पास गई है तो टाउन अब टाउन जो है उसको थोड़ा सा सुकून है वी आर सेव्ड और हम भी सेव हैं। तो कार्टर है said, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ दूस टाइल हाउस कहती है ओ थैंक यू यानी 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 तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे मुझे भी नहीं लगता कि मैं अपने घर तक बगैर किसी की की मदद के जा सकती डेफिनेटली तुम्हारे बाजुओं जरूरत होगी यानी तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। इन द लेस पब्लिक प्लेसेस यानी उन जगहों पर जहां पर लोग कम होते हैं पे, में भी कर रही है उसके साथ और कह रही है मुझे ना तुम्हारी मदद की तुम्हारे बाजुओं की जरूरत उस जगह पर बहुत ज्यादा होगी जहां पर बहुत कम लोग हों यानी जहाँ पर लोग हमें ना देख सकें उस जगह पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी शी सीज़ द द ऑन काउंटर तो इतने में वो जो कैंची होती है ना जिसके साथ हमला किया था हैच ने मिसाफे के ऊपर वो कैंची कैं मिसलाउस काउंटर के ऊपर पड़ी हुई देख लेती है और कहती है ओ द मर्डर्स शेयर यानी ये कातिल जो है ना ये कैंचियाँ हैं तो काटर कहता है लुक द अदर वे मैम मैम आप इसको छोड़ दें आप दूसरी तरफ देखें तुमने चाहिए यस आफ्टर दिस ये सब कुछ होने के बाद ना आई शेल रिगार्ड गोमोरोज असोर्ट अब गमोरो चीज है, है? गोमोरो और सोडोम जो है ना ये दो ऐसी जगह थी जहां पर इसका रेफरेंस जो है ना ये आपको बाइबल में भी मिलेगा और कुरान में भी मिलेगा दोनों के अंदर इसका आपको रेफरेंस मिलेगा कि हजरत लूत हज़रतलूतम की जो कौम थी ना जिनके ऊपर अजाब आया था होमोसेक्सुअलिटी की वजह से यानी उनके लोग जो थे वो होमोसेक्सुअल थे उनके ऊपर अजाब आया था गॉड की तरफ से तो उसकी जो स्टोरी है ना वही सारी स्टोरी है कि उनके ऊपर किस तरह से अजाब आया था वो दो जगह थी जहाँ पर वो रहते थे एक थी गोमोरा और एक थी सोडोम तो गोमोरा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा एक बुरी जगह माना जाता है वहां पर रुकना भी मतलब गुनाह है गुनाह तो नहीं मतलब बुरा समझा जाता है कि वहां पर रुकना ठीक नहीं है तो यहाँ पे मिसेस टाइल हाउस अब कंपेयर कर रही है उस जगह को कि जो हादसा आज हुआ है ना जो मैंने यहाँ पर दुकान में देखा है वो जो गमोरा जगह है ना अब तो वो भी मुझे एक स्पा रिजॉर्ट लगती है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं तो कार्टर लीड्स मिसेस टाइल हाउस आउट तो कार्टर जो होता है वो मिसेस टाइल हाउस को बाहर लेकर जाता है द डोरबेल क्लैंगस घंटी बजती है इमीडिएटली हॉलकट कम्स ऑन थ्रू द बैक ऑफ द शॉप जैसे घंटी बजती है होलोकॉर्ड जो होता है वो दुकान के पीछे से अंदर आ जाता है ही कॉल सॉफ्टली वो बड़े आराम से बुलाता है या ब, कहता है क, क्या कहता है होलोकॉर्ड कहता है मिस्टर हैच Where you are hiding? Yani, आप कहाँ पर छुपे हुए हैं मिस्टर हैच आई चीज ऑनडो टी यानी छुपे हुए हैं मैंने आपकी विंडो है उसके ऊपर चीज और उसके साथ साथ जो चाय है और एक बॉटल जो है वाइन की वो रख दी है डोंट यू रन आउट विदाउट योर कोर्ट आप कहीं मतलब अपने कोर्ट के बगैर तो नहीं चले गए बाहर ये कहकर यहाँ पर कॉटन सीन एंड हो जाता है थैंक यू सो मच